नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे दोस्तों ये मैराथन जो है इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है लगभग दस पंद्रह दिन पहले सत्ताईस अट्ठाईस फरवरी के आसपास हमने सत्ताईस अट्ठाईस जनवरी के आसपास हमने किया था और उसमें अप्रॉक्स साढ़े घंटे की क्लास हुई थी जिसमें कि सिर्फ इक्कीस फजल ही हो पाए थे तो कंटिन्यू करते हुए इस पर इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 29 जो बचे हुए पजल्स हैं हम उसको कवर करें और हो सकेगा तो और भी आगे बढ़ेंगे डिपेंड करता है टाइम के ऊपर तीन चार घंटे तो मिनिमम लूंगा ही मैं बारह एक बजे तक उसके बाद देखते हैं फिर ठीक है जब तक है जान तो स्टार्ट करते हैं भाई उम्मीद करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बहुत लोग आजकल सो रहे हैं सोने वाले जो सोता है वो खोता है वाली बात हो जाती है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो अनकेडमिक पर दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पर आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अनलॉक कोड ए एल वन जीरो ये अप्लाई कर लीजिए वहाँ आप सारी फ्री क्लासेस फ्री टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसी कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है जिसमें कि आप लोगों को ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है इस बीस परसेंट के डिस्काउंट के साथ आप लोगों को चार मंथ भी एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है ये जो वैलिडिटी है दोस्तों अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार मंथ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा और अगर आप एक साल का लेते हैं तो दो मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और साथ में बीस परसेंट डिस्काउंट भी कोड है ए एल वन जीरो चलो स्टार्ट करते हैं जुड़ तो चुके हैं लगभग साढ़े तीन सौ लोग पहला क्वेश्चन मैं यहां क्वेश्चन का नंबर भी लिखूंगा दोस्तों ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट तीन मिनट का समय है जल्दी बनाइए प्लस क्लास नहीं है क्या नहीं आज प्लस क्लास नहीं है सैटरडे है अगले सैटरडे से होगी प्लस क्लास अगले हफ्ते से चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों स्टार्ट किया जाए देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर असर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट फेसिंग नॉर्थ एक रो पे कुछ लोग बैठे हुए हैं सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एच सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट राइट ऑफ एल एच जो है वो फिफ्थ टू राइट में बैठा हुआ है एल से आगे बोल रहा है थ्री पर्सन सिट बिटवीन एल एंड बी एल और बी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं जे सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ बी जे जो है वो फिफ्थ टू लेफ्ट में बैठा हुआ है बी से उसके बाद बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एफ एल और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है उसके बाद एन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ एन जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है एफ से आगे बोल रहा है ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ई एन और ई e के बीच में सिर्फ तीन लोग बैठे हुए हैं एच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड राइट साइड से थर्ड पे वन टू थ्री यहां पर बैठा हुआ है एच टोटल छह लोग बैठे हुए हैं जी इज एन इमीडियट नेट ने आज बाजू में इमीडिएट ने तो यहां इसके बगल में एफ नहीं होना चाहिए अब देखो दोस्तों एच से चार छोड़कर एल रखना था तो एच से एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर आ जाएगा एल ये कंडीशन हमारी हो गई अब एल से देखो एल से आपको तीन छोड़कर बी लेना है और फिर बी से चार छोड़कर जे लेना है अगर मैं एल से तीन छोड़कर बी इस तरफ लेता हूं तो एक दो तीन छोड़कर ये बी हो जाएगा बी से चार छोड़कर अगर मैं जे लेता हूं तो बी से एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर जे हो जाएगा अब देखो एल से एक छोड़कर एफ लेना है तो एल से एक छोड़कर एफ यहां पर भी आ सकता था एल से एक छोड़कर एफ यहां पर भी आ सकता था एफ से आपको पता है दो छोड़कर एन लेना है अगर आप एफ को यहां ले लोगे तो दो छोड़कर एन नहीं रख पाओगे इसलिए एफ को यहां पर रख दो दो छोड़कर एन यहां पर आ जाएगा आपको पता है कि जी और एन जो है ये नेबर हैं तो एन के बगल में जी यहां पर रख सकते हो अब जी से के, के लिए छह लोग होने चाहिए बीच में तो जी से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर के आ जाएगा एल से एफ भी हो गया ये भी हो गया एन से तीन छोड़कर ई e, तो एन से तीन छोड़कर ई e रखना है आपको तो एन से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर ई नहीं हो सकता एन से एक दो तीन छोड़कर यहाँ भी ई नहीं हो सकता मतलब कंडीशन गलत हो गई अगर कुछ गलत किया क्या मैंने एल और बी में तीन है एल और बी में तीन है मैंने अच्छा मैंने दो ले लिया है दोस्तों एक सेकंड रुको थोड़ा सा पीछे चलते हैं एल और बी में एल से एक दो तीन छोड़कर बी यहां पर आना चाहिए था अब देखो एन और ई e के बीच में तीन है तो एन से तीन छोड़कर ई e. अब ठीक है तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह एक सोलह चेक कर लेता हूँ एक बार कि मैंने सही किया है कि नहीं एच थर्ड हो गया एच से चार छोड़कर एल एक दो तीन चार छोड़कर एल एल से एक छोड़कर एफ एफ से दो छोड़कर एन एन से तीन छोड़कर ई e, एल से तीन छोड़कर बी बी से चार छोड़कर जे बी से एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ पर जे आ जाएगा और जी और के के बीच में छ है जी से एक दो तीन चार पाँच छ के जी के बगल में एन ठीक है सही है तो टोटल कितने लोगों को दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल आपको दिख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह पर्सन होंगे टोटल उम्मीद करता हूँ सभी का सेम आंसर आया है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर तीन मिनट का समय है जल्दी से बनाने की कोशिश करिए से पता चला कि लेफ्ट जाना सही और राइट गजू जी देखो कुछ तो एक आपको बनाना ही था ना या तो लेफ्ट में या तो राइट में मैंने लेफ्ट लिया सही हो गया अगर गलत होता तो फिर राइट में लेके बनाते भाई एक गलत होगा तब तो दूसरा बनाओगे ना तो हमने पॉसिबिलिटी एक रखी अब वो सही हो गई तो अच्छी बात है अगर गलत होती तो फिर दूसरी वाली बनाते अभी आप देखते जाइए कई बार ऐसा भी होगा कि हमारी पॉसिबिलिटी पहली वाली गलत हो जाएगी तो हम दूसरा बनाएंगे फिर आप पजल्स की पीडीएफ नहीं भेजते हो क्या अनीता जी नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिर क्लास में नहीं आते पीडीएफ से बनाने लग जाते हैं चलिए दोस्तों कई लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं उसके बाद फिर एक साथ बनाएंगे इसको तो ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों इसको जल्दी से बनाइए चार मिनट का समय है क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए ठीक है ट्राई करिए फटाफट इसको चलिए दोस्तों डन के मैसेज तो आ रहे हैं सिर्फ मेरा ही नहीं बन रहा है क्या लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग हैं जिनसे नहीं बन पाता है टाइम पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखते रहो देखते देखते धीरे धीरे सीखने लग जाओगे साउंड लो है ठीक तो आ रहा है अब ठीक है साउंड देखिए थोड़ा बढ़ाया है मैंने साउंड तो देखो इसमें भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बनाते हैं पहले क्या बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग द डायरेक्शन इधर नॉर्थ और साउथ मतलब एक रो पे कुछ लोग बैठे हुए हैं या तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या तो साउथ की तरफ देख रहे हैं आर इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू आर जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है यू से उसके बाद क्या बोल रहे हैं वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन वी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठा है किसी भी एंड पे ये नहीं बैठा है एस एंड टी फेस द सेम डायरेक्शन एस और टी का डायरेक्शन सेम है उसके बाद बोल रहा है पी सिटिंग टू द राइट ऑफ डब्ल्यू पी जो है वो right side में बैठा हुआ है डब्ल्यू से तो और जो हैं ये दोनों दोनों के करते हैं, X से. ओनली थ्री पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी राइट में पी के एक दो तीन पी के राइट right साइड में सिर्फ तीन लोग बैठते हैं आगे बोल रहा है पी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन यार मैं इतना कम क्यों बना रहा हूं सेकंड रुको टोटल कितने लोग थे तीन तीन छो तीन, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो यहां पर देखो क्या बोला है पी नॉर्थ डायरेक्शन ओनली थ्री पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी वन, थ्री, यहां पर आ जाएगा पी इसके राइट साइड में तीन लोग बैठे हुए हैं क्यू सीट्स थ्री प्लेस अवे फ्रॉम पी इन द लेफ्ट डायरेक्शन क्यू जो है वो लेफ्ट साइड में थर्ड में बैठा हुआ है क्यू सीट थ्री प्लेसेस अवे पहला प्लेस दूसरा प्लेस तीसरा प्लेस यहां पर आ जाएगा क्यू क्यू एंड पी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन क्यू और पी का ऑपोजिट डायरेक्शन है तो अगर पी ऊपर देख रहा है तो क्यू नीचे की तरफ देखेगा क्यू इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम यू इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड क्यू जो है वो दो प्लेसेस अवे है यू से मतलब कि क्यू से एक दो यहां पर यू नहीं आ सकता एंड पे मना किया गया है तो क्यू से एक छोड़कर यू यहां पर आ जाएगा अब देखो क्या बोल रहा है U is sitting just right of T. U जो है वो T के जस्ट राइट साइड में बैठा है तो भाई टी यहां तो आ नहीं सकता तो टी को यहां पर रख दो डायरेक्शन ऊपर दिखा दो तो इमीडिएट राइट right में यू हो जाएगा अब इसमें क्या बोल रहा है आगे टी इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स टी जो है वो टू प्लेसेस अवे है एक्स से मतलब एक्स यहां पर आना चाहिए टू प्लेसेस अवे का याद रखिएगा दोस्तों बीच में एक पर्सन होता है तो एक्स से एक पर्सन छोड़कर ये टू प्लेसेस अवे हो गया टी इमीडियट नेबर ऑफ क्यू फेस द सेम डायरेक्शन क्यू के अगल बगल वाले दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो ये भी ऊपर क्या बोल रहा है आपको बस और तो कुछ नहीं बोला अब देखो U से दो छोड़कर R रखना है आपको लेफ्ट तरफ में भाई अगर मैं U का डायरेक्शन ऊपर दूंगा तो लेफ्ट इस तरफ होगा तो इधर देखो एक दो छोड़कर यहां पर आर रख सकते होगा नहीं इसलिए U का डायरेक्शन नीचे की तरफ दो एक दो छोड़कर R यहां पर आ जाएगा V जो है दोस्तों ये एंड पे नहीं है मतलब यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता तो V को यहां पर रख दो S और T का सेम डायरेक्शन है S और T का सेम डायरेक्शन है ये देखो W के राइट right साइड में P होना चाहिए पहले डायरेक्शन को देखते हैं इसी से बनेगा ठीक है S और T का सेम डायरेक्शन मतलब T, S जो है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा और वी और आर का ऑपोजिट है एक्स से तो वी और आर का ऑपोजिट है एक्स से तो ये अगर ऊपर देख रहा है तो ये दोनों नीचे की तरफ देखेंगे अब देखिए दोस्तों यहां पर वी और आर ऑपोजिट है एक्स से डब्ल्यू के राइट में पी होना चाहिए और एस और टी का सेम डायरेक्शन है यार ये तो इधर और हो जाएगा कुछ मेरे से छूटा है क्या

एस एक्स क्यू टी यू पी वी आर डब्ल्यू पी वी आर डब्ल्यू ठीक है तो ये वाला हो चुका है दोस्तों इसको बनाते हैं पहले एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग ये चौथा क्वेश्चन है फोर्थ तीन से चार मिनट का समय है चौथा ही था ना एक बार देख लेते हैं भाई ये कौन सा तीसरा था ठीक है चलिए चौथा क्वेश्चन जल्दी से बनाइए इसको चलिए दोस्तों डन के मैसेज तो दिख रहे हैं हो गया क्या आप लोगों का एक बार बता दीजिए नहीं हुआ है चलो कोई नहीं बना लो अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है ये क्योंकि बहुत लोग नहीं बना पा रहे हैं जितने भी लोग हैं दोस्तों बने रहिएगा पूरा एक बजे तक कंटिन्यू क्लास करेंगे पूरे आज 29 पजल ट्वेंटी नाइन पजल्स खत्म करने हैं हमको तो पूरा पचास पजल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे पिछला क्लास जिसने नहीं देखा था देख लीजिएगा दोस्तों इस चैनल के वीडियोस में जाके पुराने वीडियोस में पांच छह वीडियो पहले ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास उसमें व्यूज़ भी हैं काफी लोगों ने देखा है 21 पजल मैंने करवाए थे उस क्लास में बाकी के 29 आज की क्लास में होंगे सर शुरू करो ना चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं मुझे लगा बना रहे हैं कुछ लोग तो जो बना रहे, बनाते रहे हैं बनाते रहिए दोस्तों मैं तब तक ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देता हूं इसमें देखिए क्या बोल रहा बोला दे रहा टेन आर एस टी यू हु लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग फाइव सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर नंबर फ्लोर कंसिट ऑफ टू फ्लैट्स फ्लैट एंड फ्लैट टू वन टू इज इमीडिएटली फ्लैट फलाना 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 फ्लैट टू इज इन ईस्ट ऑफ फ्लैट वन फ्लैट टू जो है वो ईस्ट की तरफ में है फ्लैट वन से पांच फ्लोर की बिल्डिंग है पांच चार तीन दो एक अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है पी डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ ओ पी डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ ओ मतलब पी और ओ सेम फ्लोर पर नहीं रहते टी लिवस ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इवन नंबर फ्लैट टी जो है इवन नंबर के फ्लैट पर रहता है मतलब इस तरफ आएगा और इवन नंबर के फ्लोर पर है मतलब फोर या टू में से किसी एक में आएगा आगे आपको बोल रहा है टू फ्लोर गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ टी एंड एन एन हु लिव इन फ्लैट फ्लैट जो कि पे रहता है और दो फ्लोर का गैप है टी और एन के बीच में टू फ्लोर गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ टी एंड एन उसके बाद क्यू लिव्स ईस्ट ऑफ एल क्यू जो है वो ईस्ट में रहता है एल से एम लिव्स अबाउट टी इन ऑर्ड नंबर्ड फ्लोर तो एम जो है टी के ऊपर रहता है ऑर्ड नंबर के फ्लोर पर टू फ्लोर्स गैप बिटवीन एम एंड यू दो फ्लोर का गैप है एम और यू के बीच में उसके बाद क्या बोल रहा है m एंड u u who lives on odd numbered floor तो so u जो है ये odd नंबर के सॉरी एक सेकंड u who lives in odd number flat u जो है ये odd नंबर के odd मतलब 1 यहां पर रहेगा u उसके बाद क्या बोल रहा है o lives above r o जो है वो r के ऊपर रहता है यहां लिख लेते हैं o ऊपर रहता है किससे r से एंड बोथ लिव इन सेम नंबर फ्लैट दोनों के दोनों सेम नंबर फ्लैट में है मतलब दोनों एक ही साइड में होंगे मतलब या तो इस तरफ होंगे या तो इस तरफ होंगे उसके बाद क्या बोल रहे हैं एज मेनी फ्लोर आर एब एल एज बिलो क्यू एल और क्यू का पेयर बनेगा फ्लोर्स के लिए एल और क्यू का पेयर बनेगा फ्लोर्स के लिए ठीक है अगर मान लो एल यहां पर आ रहा है तो क्यू यहां पर आ जाएगा एल यहां पर आ रहा है तो क्यू यहां पर आ जाएगा पेयर क्या होते हैं जिनको नहीं पता ये देखो ये टॉप बॉटम सेकेंड टॉप सेकेंड बॉटम ये दो पेयर बनेंगे तो एल अगर इस वाले फ्लोर पे है तो क्यू इस फ्लोर पे होगा एल इस फ्लोर पे तो क्यू इस फ्लोर पे होगा एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा मतलब नीचे एल होगा तो ऊपर क्यू होगा ठीक है अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपको बोथ लिव इन सेम नंबर फ्लैट कहा गया यार हा एज मेनी फ्लोर एल एज बिलो ऑफ क्यू वन फ्लोर गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ क्यू एंड एस क्यू और एस के बीच में एक फ्लोर का गैप है बट फ्लैट नंबर ऑफ बोथ इज डिफरेंट दोनों का जो फ्लैट नंबर है वो डिफरेंट है मतलब हम बोल सकते हैं क्यों और एस दोनों के दोनों अलग अलग फ्लैट पर रहते हैं तो भाई क्यू हमको पता है ये देखो ईस्ट की तरफ में अगर ईस्ट की तरफ में मतलब इधर आने वाला है, L जो है, वो इधर आने आने वाला वाला है 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 जो वो और क्यू और एस का डिफरेंट फ्लैट है तो क्यू इधर में है तो इस वाले में एस हो जाएगा तो ये चार लोगों को तो आपको यहां पर पता चली गए कौन कौन होने वाला है ठीक है और क्या बच गया

तो टी के ऊपर एम होना चाहिए ऑड वाले पे टी के ऊपर एम होना चाहिए ऑड वाले पे मतलब बोल सकते हैं एम यहां पर कहीं पर होगा ठीक है और टी से दो छोड़कर आपको एन चाहिए तो बोल सकते हैं एन यहां पर कहीं पर कहीं होगा अब एन जो है वो तो इस तरफ वाली बिल्डिंग में है तो एन को यहां पर रखना पड़ेगा ऐसे ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे है जरूरी नहीं है कि सही हो जाएगा चेक कर रहे हैं अभी हम बस अब देखो एन तो हो गया और क्या बचा हमारे पास देखो रखने के लिए यहां पर एल और क्यू रख सकते हैं एस को कहां पर रखें भाई एल को यहां रखोगे तो क्यू यहां होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है एल को यहां रखोगे क्यू यहां हो जाएगा ये पॉसिबल है एल को यहां रखेंगे तो क्यू यहां पॉसिबल नहीं है एल यहां पॉसिबल ही नहीं है ठीक देखो दोस्तों एल और क्यू की पॉसिबिलिटी को मैं चेक कर रहा हूं एल और क्यू का पेयर बन रहा है ठीक है और क्यू जो है वो एल के जस्ट राइट right में तो ध्यान से देखिएगा अगर मैं एल को यहां पर रखना चाहूं एल इसी तरफ वाले में ना तो ये देखो पेयर के यहां पर रखना चाहूं पॉसिबल है क्या नहीं यहां तो एन है यहां पर अगर मैं एल को रखूंगा तो क्या हो जाएगा पेयर के दूसरे एंड पे यहां पर क्यू जाना चाहिए यह भी पॉसिबल नहीं है अब यहां पर देखो यहां पर बस पॉसिबल है इस वाले में अगर एल को रखोगे यहां पर तो इससे ये देखो पेयर के नीचे आकर क्यू यहां होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल के राइट में होना चाहिए था मतलब एक ही जगह बच रही है ये वाली एल क्यू एल और क्यू का पेयर बन रहा है तो यार मैं क्या देख रहा हूं इतनी देर से एल और अगर क्यू का पेयर बन रहा है तो तीसरे वाले में आएंगे ना भाई दोनों साथ में है कोई लिखा था क्या कोई बताया कोई भी नहीं बता रहा है कोई भी नहीं बता रहे दो चार लोग बस लिख रहे बाकी लोग देख रहे ये क्या कर रहे हैं सर थोड़ा ध्यान दो भाई सो रहे हो क्या अभी भी भाई एल के इमीडिएट राइट में क्यू है और अगर उनका पेयर बन रहा है तो कौन सा पेयर होगा देखो ये वाला पेयर नहीं हो सकता ये वाला पेयर नहीं हो सकता इनके अलावा एक और पेयर है जो कि हम ज्यादा चेक नहीं करते हैं ये वाला इसमें एक बंदा इधर एक बंदा इधर ये भी तो पेयर है ना भाई एल यहां पर क्यों यहां पर खत्म अब देखो और क्या रखना है इसके बाद क्यू से एक छोड़कर एस लेना था क्यू से एक छोड़कर एस इस तरफ तो आ नहीं सकता तो Q से एक छोड़कर एस को यहां पर ले लेंगे अब देखो टी के ऊपर M रखने के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है और क्या बचा हमारे पास M से दो छोड़कर यू लेना था M से दो छोड़कर U इस तरफ आ जाएगा ये देखो इस तरफ आ गया और क्या बचा हमारे पास अब आर के ऊपर ओ होना चाहिए एम जो है ऑर्ड पे होना चाहिए क्यू से एक छोड़कर एस क्या छूटा है यार कुछ पजल क्या होता है सर पजल वही होता है जो हम अभी बना रहे हैं वो तो बचा हुआ है, ये तो ठीक है हां ठीक है सही है सही है सही है। ध्यान पता नहीं कहाँ घूमता रहता यार मेरा। आर के आपको ओ रखना है और दोनों सेम फ्लैट में ये डब्बा बनाया ना, मतलब तो चलो चेक करते हैं एसपीएल एसपीएल एम टी क्यू ओ आर एम टी क्यू ओ आर बिल्कुल परफेक्ट है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी मेरे को लग रहा है काफी लोगों से नहीं बना था तो ट्राई करते हैं एक बार चार मिनट तो चार क्या पांच मिनट दे दिए थे मैंने फिर भी बहुत लोगों से नहीं बना जिनसे बन जिनसे नहीं बना था एक बार नो लिखिए तो देखते हैं कितने लोगों से नहीं बना यहाँ पोल तो हो नहीं सकता अभी फटाफट एक बार नो लिख दीजिए जिनसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पाया हम कब सॉल्व कर पाएंगे ऐसे सर रवि जी उसके लिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी क्लासेस रेगुलर आते रहिए नई नई चीजें सीखते रहिए उनको अप्लाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए बहुत लोग हैं जिनसे नहीं बना चलो देखते हैं भाई यहां पर बोल क्या रहा है सेवन पर्सन सात लोग ए बी सी डी ई एफ जी आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर सब अलग like सब अलग ईयर में बॉर्न हुए बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर दे आर बॉन ऑन सेम डेट ऑफ द सेम मंथ इन डिफरेंट ईयर ऑल ऑफ द कैलकुलशन ऑफ एजेस आर डन बाय बास एज द बेस ईयर दे लाइक डिफरेंट कलर सबको अलग अलग कलर पसंद है ध्यान से सुनिए यहां पर करना क्या है आपको ईयर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों भाई अभी बताऊंगा थोड़ी देर में पहले इसको लिख लेते हैं नाइनटीन फोर्टी एट सबसे पहले लिखो उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उसके बाद नाइनटीन सिक्सटी थ्री फिर नाइनटीन सेवेंटी वन नाइनटीन एटी नाइनटीन एटी एट नाइनटीन नाइनटी टू बट नॉट इन सेम ऑर्डर एक शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है जिनको नहीं पता है से कि कैसे एज निकालते हैं सबकी 2021 वाला जो बंदा मतलब 2000 2021 में 1992 वाले की कितनी एज होगी एज जो है वो 2021 में कितनी होगी भाई 21 साल इधर के हो गए आठ साल यहां से 2000 तक के लिए हो गए तो 21 और 8 यानी 29 तो बोल सकते हैं इसकी एज जो होगी 29 होगी ये एक कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको एक आपने कैलकुलेट कर लिया अब क्या करना है आप बस ये देखते जाओ कि 92 से ये कितना कम है चार कम है अगर ये चार कम है तो यहां चार बढ़ा दो 33 हो गया एटी से यह आठ कम है एटी से अस्सी आठ कम दिख रहा है तो आठ बढ़ा दो इसमें फोर्टी हो गया 80 से 71 वन नौ कम दिख रहा है नौ बढ़ा दो पचास हो गया 71 से कितना कम दिख रहा है भाई आठ कम दिख रहा है यहां आठ बढ़ा दो फिफ्टी एट हो गया 63 से 56 तक कितना चार और तीन सात कम दिख रहा है यहां सात बढ़ा दो सिक्सटी फाइव हो गया 56 से 48 एट आठ कम दिख रहा है यहां आठ बढ़ा दो सेवनटी थ्री हो गया तो ये सबकी एज आ गई इस तरीके से निकालते हैं ठीक है तो ये शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा इसका

का डिफरेंस जो है वो चार साल आना चाहिए जी डज नॉट लाइक रेड जी जो है वो रेड नहीं पसंद करता डी नॉट लाइक येलो डी जो है वो येल्लो पसंद नहीं करता एंड एफ डज नॉट लाइक ग्रीन एफ को ग्रीन नहीं पसंद है यहां लिख देते हैं भाई एफ को ग्रीन नहीं पसंद इसके बाद देखिए और क्या बोल रहा है एफ डज नॉट लाइक ग्रीन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ई इज एक सौ छह ईयर्स द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ई बी प्लस ई मिलाकर टोटल 106 आना चाहिए ई इज यंगर टू बी ई जो है वो यंगर है बी से मतलब बोल सकते हैं e ई जो होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए बी से ये मैंने ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है दोस्तों ये देखो यहां से अगर आप इंक्रीजिंग में लिखोगे तो एज जो होगी वो डिक्रीजिंग में आएगी मतलब सबसे ओल्ड पर्सन ऊपर सबसे यंग पर्सन नीचे इसीलिए मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ठीक है अब क्या बोल रहा है ई इज यंगर टू बी द पर्सन हु इज थर्ड यंगेस्ट लाइक पिंक भाई ये यंगेस्ट पर्सन है ये सेकेंड यंगेस्ट है ये थर्ड यंगेस्ट है तो इसका क्या कलर पसंद है भाई इसको पिंक कलर पसंद है आगे बोला जी इज यंगर टू एफ जी जो है वो यंगर है एफ से मतलब कि एफ से छोटा है मतलब नीचे की तरफ आएगा जी द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द वन हु लाइक वाइट एंड द वन लाइक येलो इज एटी सेवन ईयर्स वाइट और येलो वाले का वाइट प्लस येलो ये दोनों का जो सम है वो एटी सेवन आना चाहिए उसके बोल रहा है, नीदर एफ लाइक व्हाइट एंड येलो नीदर जीन like और एफ लाइक व्हाइट और येल्लो जी और एफ जो है ये और इन नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर हु लाइक ब्लैक द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर हु लाइक ब्लैक तो ए के पहले जितने लोग बॉर्न हुए हैं और ब्लैक के बाद में जितने लोग बॉर्न हुए हैं ये दोनों सेम है इसका मतलब क्या होगा इन दोनों का पेयर बनेगा ऐसी कंडीशन कभी भी दिखे दोस्तों याद रखिए हमेशा पेयर बनता है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्ड बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्ड आफ्टर द वन हु लाइक ब्लैक तो ए और ब्लैक का पेयर बनेगा यहां पर लिख देते हैं ए और ब्लैक पेयर बनेगा अब पेयर क्या क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं फिर से बता देता हूं ये पेयर है ये पेयर है ये पेयर है, है और ये खुद में एक पेयर है आगे क्या बोल रहा है ब्लैक e like e नहीं पसंद यहां पर लिख देते हैं बी और ई e ये दोनों को ब्लैक कलर नहीं पसंद है ए इज नॉट दंगेस्ट पर्सन ए जो है वो यंगेस्ट पर्सन नहीं है मतलब ए यहां पर नहीं आना चाहिए चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना कहां रख सकते हैं भाई सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए बी और ई e एक होना चाहिए एक होना चाहिए दोस्तों बी और ई e का जिसमें बी से छोटा ई है यहां पर ऐसे कौन से एज दिख रहे हैं जिससे आप 106 बना सकते हो अगर मैं 73 में 29 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई 70, 80, 90, 100, 102 सौ दो हो होगा यह तो पॉसिबल नहीं है 73 में अगर मैं 33 को ऐड कर दूं तो 106 हो जाएगा 73 में अगर मैं 33 को ऐड कर दूं तो 106 हो जाएगा यह पॉसिबल है और कहीं से 106 बन सकता है क्या छह चालीस ये देखो पैंसठ और एक इन दोनों को एड करोगे तो भी एक बनता है मतलब हमारे पास दो चीजें दिख रही है हमको ठीक है एक तो पैंसठ और इकचालीस वाली पॉसिबिलिटी है और दूसरा हमारे पास कौन सा है सेवेंटी थ्री और थर्टी थ्री वाला तो एक एक करके चेक करते हैं अब यहां पर देखो बी और ई e के लिए एक एक करके पहले मैं ये सेवेंटी थ्री वाले को ले लेता हूं बी को यहां और थर्टी थ्री यहां पर ई e हो जाएगा ठीक है अब देखो इसके अलावा और क्या है बी और ई e तो हमने रख दिया ए और ब्लैक का पेयर है ए यहां पर आ नहीं सकता ए यहां पर आ नहीं सकता ए यहां पर आ नहीं सकता ठीक है अगर मैं ए को यहां रखना चाहूं तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ए से फिर ये पेयर दूसरा यहां पर ब्लैक आना चाहिए था ये पॉसिबल नहीं है मतलब ए यहां भी नहीं आएगा तो और कहां, -कहां पर रख सकते हो भाई ए को ए यहां भी नहीं आएगा ए को यहां पर रख सकते हैं और भी कुछ कंडीशन चेक करते हैं उनको एफ के नीचे जी रखना है ए और ब्लैक का पेयर व्हाइट और येलो 87 इसको बना लेते हैं यार पहले व्हाइट और येलो 87 है व्हाइट और येलो अगर 87 है 87 कहाँ से बनेगा भी देखो 50 60 70 79 ये तो 79 हो रहा है 87 बनाना है हमको 40 50 60 70 58 50 60 70 80 87 ये देखो 58 और 29 इससे बन रहा है 87 58 और 29 इन दोनों से बन रहा है 87. ठीक है 87 इन दोनों से बन रहा है अब यहां पर देखो हमको पता है व्हाइट और येल्लो को रखना था तो व्हाइट और येल्लो अगर 58 और इसमें आने वाले मैं अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसा लिख देता हूं व्हाइट येलो यहां पर भी व्हाइट ऑब्लिक येल्लो ठीक है तो अब देखो ए ब्लैक का पेयर कहां कहां पर बना सकते हो भाई ए को यहां रख नहीं सकते ए को यहाँ रखोगे तो ब्लैक यहाँ पर नहीं आ पाएगा पेयर के दूसरे एंड पे ए को यहाँ ब्लैक को यहाँ सिर्फ ये यह पॉसिबल है ए को यहाँ रखोगे तो ब्लैक यहां पर आ जाएगा ये चीज पॉसिबल है क्या नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है देखो ए को यहाँ रखोगे ब्लैक यहां पर नहीं आ सकता ये देखो ए को यहाँ रखोगे ब्लैक नहीं आ सकता पिंक है ठीक है ए को यहाँ रखोगे ब्लैक यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ई को ब्लैक नहीं पसंद है मतलब ए के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही जगह दिख रही है ये वाली ए ब्लैक और कोई भी जगह नहीं है अब देखो इसके बाद और क्या दिख रहा है हमको एफ के नीचे जी रखना है F के नीचे G रखना है और जी को वाइट येलो पसंद नहीं है अगर एफ के नीचे जी रखना है और जी को व्हाइट येलो पसंद नहीं है मतलब जी यहां पर नहीं आ सकता जी यहां पर नहीं आ सकता तो जी यहीं पर आएगा और क्या बच गया हमारे पास देखो इसके बाद एफ को भी ये देखो एफ को भी दोस्तों व्हाइट और येलो पसंद नहीं है तो व्हाइट और येलो में एफ यहां पर भी नहीं आ सकता तो एफ को यहां पर रखना पड़ेगा जी को रेड नहीं पसंद है डी को येलो नहीं पसंद है अब देखो ये कंडीशन गलत हो गई कैसे गलत हो गई भाई डी को यहाँ रखो नहीं ठीक है सही तो है डी येल्लो नहीं पसंद है ना तो व्हाइट हो जाएगा डी में और कुछ बचा क्या, क्या कंडीशन एफ ग्रीन नहीं है बी और ई e को ब्लैक पसंद नहीं है मैं इसको ना काटते जाता हूँ ये कंडीशन हो गई हमारी एफ को ग्रीन पसंद नहीं है यहाँ पर ग्रीन नहीं आएगा ठीक है एफ़ के नीचे जी ये वाली कंडीशन हो गई बी के नीचे ई e, ये वाली कंडीशन हो गई ए और ब्लैक का पेयर हो गया ये भी हो गया येल्लो और रेड का चार का डिफरेंस आ रहा है ये देखना है बस अब हमको येल्लो और रेड का चार का डिफरेंस देखो दोस्तों येल्लो और रेड का अगर चार का डिफरेंस आपको दिख रहा है येल्लो फिफ्टी एट रखोगे तो 58 से ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें चार का डिफरेंस दिख रहा हो आपको चार कहां रख सकते हो भाई फिफ्टी एट से फिफ्टी फोर तो दिख नहीं रहा है सिक्सटी टू भी नहीं दिख रहा है पॉसिबल नहीं है सेवनटी थ्री पे रखोगे तो भी चार का डिफरेंस नहीं दिखेगा सेवेंटी थ्री मतलब 69 होना चाहिए था रेड वहां भी नहीं जा सकता यहां देखो ट्वेंटी नाइन थर्टी थ्री ठीक है ये कन्फर्म हो गया ट्वेंटी नाइन और थर्टी थ्री में चार साल का डिफरेंस दिख रहा है आपको ट्वेंटी नाइन से थर्टी थ्री चार साल का डिफरेंस दिख रहा है मतलब येलो और रेड यहीं पर इन दोनों जगह पे होने चाहिए तो रेड यहां पर आ गया ठीक है और येलो जो है वो यहां पर आ जाएगा फिर क्योंकि येल्लो और रेड का ही डिफरेंस दिख रहा है तो येलो यहां पर फिक्स हो गया अगर यहां पर येल्लो फिक्स हो गया लेवल अच्छा था दोस्तों इसका क्वेश्चन का यहां पर फिक्स हो जाएगा ठीक है अब बचा क्या है हमारे पास देखो हमारे पास बचा है और एफ को ग्रीन पसंद नहीं है अगर एफ को ग्रीन पसंद नहीं है तो ग्रीन यहां पर आ जाएगा अब एक कलर बचा हुआ है बस कौन सा कलर बचा है हमारे पास ब्लू बचा हुआ है मेरे ख्याल से तो ब्लू को रख देते हैं यहां पर ठीक है रेड में जी नहीं आना चाहिए अगर रेड में जी नहीं आएगा ठीक है येल्लो में डी नहीं आना चाहिए में अगर डी नहीं आएगा तो डी यहां पर आ जाएगा तो बचा क्या आपके पास ए बी सी सी बचा हुआ है सी को रखो यहां क्वेश्चन आपका सॉल्व उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा ठीक है बहुत हार्ड हाँ हार्ड तो है थोड़ा सा ठीक है चलो देखते हैं आंसर चेक करते हैं दोस्तों बी एफ डी ए जी ई सी बी एफ डी ए जी ई सी बिल्कुल सही ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक पिंक रेड येलो ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक पिंक रेड येलो बिल्कुल सही है एज भी आप एक बार देख लीजिए मेरे हिसाब से तो सब सही होगा क्योंकि इतना सही आया तो सब सही होगा तो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन था ठीक है अभी चार क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं चलिए पांचवा क्वेश्चन आप बनाइए जल्दी से तीन मिनट का समय मैं दे रहा हूं आप लोगों को ट्राई करो जल्दी से करें हलवा है आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी इतनी देर से हाँ जा तो रही है कौन कौन यहां प्लस का स्टूडेंट है मुझे तो लग रहा है आधे से ज्यादा तो क्योंकि पहुंच गए उम्मीद करता हूं सॉल्व किए होंगे जिनका सॉल्व नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं यहां लिविंग इन एट फ्लोर बिल्डिंग आठ फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं सबसे पहले आठ फ्लोर बना लेते हैं आठ सात छह पांच चार तीन दो एक अब आगे आपको क्या बोल रहा है दे लाइक डिफरेंट बुक सबको अलग अलग बुक पसंद है बी वन से लेकर बी एट तक ए डजेंट लाइक बी वन ए को बी वन नहीं पसंद है यहां पर लिख देते हैं ए को वन नहीं पसंद देर आर थ्री फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन लाइक बी वन एंड बी फाइव मतलब वन और फाइव के बीच में तीन फ्लोर का गैप है P doesn't like two and three. P को two और three पसंद नहीं है। The person who like three and two live above S. Three और two जो है वो S के ऊपर है। There are two person live between the person who like three and eight. Three और eight के बीच में दो लोग रहते हैं। There are three person live between P and the person who like six. तीन लोग रहते हैं P और six के बीच में। ए लिव्स एट इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन एट्थ फ्लोर ए जो है वो एथ पे नहीं रहता लेकिन ए जो है ये even number के फ्लोर पर रहता है। उसके बाद बोल रहा है तो ऐसी फिर से बता रहा बनेगा. डी पी पेयर बन जाएगा पेयर क्या होता है भाई ये देखो ये होता है पेयर अब आगे क्या बोल रहा है देर आर टू पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी ए और डी के बीच में दो लोग रहते हैं बी लिवस जस्ट अबाउ द फ्लोर इन विच पी लिवस बी जो है वो पी के जस्ट ऊपर रहता है उसके बाद क्या बोल रहा है द पर्सन लाइक सेवन लिवस जस्ट अबाउव क्यू एंड जस्ट बिलो सी सेवन वाला दो जो है जस्ट अबाउव क्यू है और सी के जस्ट बिलो है ऐसा चलो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों ए की पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाते हैं ध्यान से सुनिएगा भाई ए के लिए आपके पास कितनी चीजें दिख रही है आपको तीन जगह दिख रही है ए एट पे नहीं आ सकता मतलब ए यहां पर आ सकता है ए यहां पर आ सकता है ए यहां पर आ सकता है ठीक है तो आपको क्या करना है या तो इधर से देखो या तो इधर से देखो जो सबसे पास में दिख रहा है सबसे पास में ये दिख रहा है आपको सेकेंड पे इधर वाला देखोगे तो वन टू थ्री थर्ड पे दिख रहा है इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो सबसे मिनिमम होगा ब्लू क्या ब्लू क्वेश्चन रॉन्ग है क्वेश्चन कैसे रॉन्ग है भाई बनाएंगे तो पता चलेगा देखते हैं चलो अब देखो दोस्तों अगर मैं ए को यहां पर लेता हूं तो फटाफट -फड़ चलो चेक करते अरे यार ये क्या हो गया कौन नजर लगा दिया भाई नया है देखते हैं चलो तो ए को अगर मैं यहां पर लेता हूं ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों ए को अगर मैंने ले लिया तो ए से दो छोड़कर डी हो जाएगा ए से दो छोड़कर डी यहां पर आ जाएगा अब आपको पता है डी और पी का पेयर बन रहा है तो भाई डी यहां पर है तो ये देखो पी यहां पर आ जाएगा उसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन है पी को टू और थ्री पसंद नहीं है बाद में देखेंगे पी के जस्ट ऊपर बी है पी के जस्ट ऊपर बी नहीं आ रहा मतलब गलत हो गया कंडीशन हमारा तो ये गलत हो गया तो अब ए को यहां पर लेंगे ये वाला ए हमारा गलत हो गया ठीक है ना अब ए को यहां पर लेंगे तो अगर ए यहां पर आ गया तो क्या हो जाएगा भाई ए से दो छोड़कर डी ऊपर भी हो सकता है ए से दो छोड़कर डी नीचे भी हो सकता है दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसको चेक नहीं करूंगा अभी मैं मैं किसको पहले मैं इसको चेक करूंगा क्योंकि ये जल्दी चेक हो जाएगा भाई ए से दो छोड़कर ऊपर तो हो ही नहीं सकता डी ए से दो छोड़कर डी नीचे ही होगा अब डी से ये देखो पी यहां पर आ नहीं सकता मतलब गलत है कंडीशन पता चल गया कि ये नहीं होगा तो मतलब डेफिनेटली सॉरी ये वाला नहीं यार ये वाला नहीं है तो डेफिनेटली ये नहीं होगा मतलब डेफिनेटली ए को तो यहीं पर रख के आपको बनाना पड़ेगा

अब डी का पेयर देखो यहां पर आ रहा है मतलब पी यहां होगा पी के जस्ट ऊपर बी यहां पर होगा पी से तीन छोड़कर छ पी से एक दो तीन छोड़कर छ ये कंडीशन भी हो गई ये भी हो गई ये भी हो गई ठीक है और क्या बच गया एवन ये भी हो चुका है सेवन क्यू को रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से देखो दोस्तों क्यू अगर आपको रखना है आप यहां पर देखो सी को नहीं रख सकते पॉसिबल नहीं है सी को यहां रखोगे सेवन हो जाएगा पर क्यों नहीं आ पाएगा सी को यहां रखोगे सेवन हो जाएगा पर पर नहीं आ पाएगा तो को यहां रख दो क्यों को यहां पर रख दो क्यू वाली कंडीशन भी हो गई अब देखो एस के ऊपर तीन और दो रखना है अगर एस को यहां रखोगे तो तीन और दो को एक ही जगह पर रख नहीं पाओगे इसलिए एस को यहां पर रख दो अब बचा क्या दोस्तों आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ आर आर को रख देते हैं यहां पर तो नाम तो पूरे सेट हो गए अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ इसके नंबर तो नंबर्स को देखते हैं तीन से दो छोड़कर आठ लेना है पी को दो और तीन पसंद नहीं है अच्छा ये पेयर्स को हटाता हूं मैं थोड़ा यहां पर चीजों को लिखते हैं अपन देखो दोस्तों अब यहां पर ना एक चीज एक से तीन छोड़कर पांच चाहिए हमको है ना एक से तीन छोड़कर पांच के लिए हमारे पास कौन कौन सी जगह बन रही है देखो एक तो ये वाली बन रही है ये देखो एक से तीन के लिए तो ये जगह बन रही है एक तो ये जगह बन रही है बस इसके अलावा और कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप एक और पांच को रख सको ठीक है तो अगर एक को आप यहां ए पे नहीं रख सकते तो इस वाली पॉसिबिलिटी को अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा देखो ए जो है वन नहीं है तो अगर एक को यहां नहीं रखूंगा तो पांच को यहां रखूंगा एक को यहां रखूंगा ऐसा कर सकता हूं ठीक है ये गलत होगा तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करेंगे अगर सही हो गया तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है तो एक और पांच हमारा हो गया अब देखो तीन से दो छोड़कर आठ रखना है तो तीन से दो छोड़कर आठ रखने के लिए आपके पास कौन सी जगह दिख रही है सिर्फ ये वाली दिख रही है ये देखो तो अगर पी में तीन नहीं आना चाहिए ये देखो तो तीन को यहां पर रखोगे आठ को यहां पर रखोगे अब आपको पता है कि एस के ऊपर में दो होना चाहिए था तो एस के ऊपर में दो होना चाहिए था वन टू थ्री फोर बचा है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया चेक करिए जल्दी से सी डी क्यू आर ए बी पी एस सी डी क्यू आर ए बी पी एस वन सेवन सिक्स थ्री फाइव टू एट फोर वन सेवन सिक्स थ्री फाइव टू एट फोर बिल्कुल परफेक्ट आंसर चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है पांचवा हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लेंथ देखते हुए चार मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आप लोगों को चलिए जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए फटाफट दोस्तों मैंने म्यूट किया हुआ है ठीक है तो रिप्लाई थोड़ी देर में करता हूँ मैं आप लोग क्वेश्चन बनाइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डन के मैसेज कुछ लोगों के तो आ रहे हैं <coughs> <coughs> सर आप टेलीग्राम पे पीडीएफ क्यों नहीं देते सेशन की राजेश जी उससे क्या होता है ना बहुत लोग ना पीडीएफ लेकर बनाने नहीं देते क्लास में नहीं आते बोलते सर क्लास में एनेस टाइम वेस्ट होता है तो भैया टाइम टाइम वेस्ट होता है तो हम थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो चाहिए ना दो सौ ढाई सौ बच्चे पढ़ते रहते हैं तो पढ़ाने का भी मन नहीं करता है फिर थोड़ा रहता है कि हाँ अभी देखो आठ सौ लोग हैं तो एनर्जी लेवल ऐसा है कि दो बजे तक क्लास ले लूंगा मैं तो ये चीज़ का फर्क पड़ता है अब वो वो स्टूडेंट लोग ये नहीं सोचते वो लोग क्या सोचते हैं वो बस अपना सोचते हैं बट हमको तो सबका सोचना है वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि क्लास में जाएंगे तो समय बर्बाद होगा इससे अच्छा है कि पीडीएफ से ही पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो नहीं बनेगा बस उसको देख लेंगे तो ऐसे में भैया इतने लोगों का तो नुकसान हो रहा है ना फिर इसलिए क्लास में आओ क्लास में बनाओ बेस्ट है चलो स्टार्ट करते हैं आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन आठ लोग एक रो पर बैठते हैं चेंज है? क्यों दिख रहा है एट पर्सन आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन सम ऑफ देम फेस नॉर्थ सम ऑफ देम फेस साउथ डायरेक्शन बिलोंग टू डिफरेंट एल यहां से स्टार्ट करेंगे तो आठ लोग एक दो तीन चार पांच छह सात आठ चलो ध्यान दो भाई इधर तो अच्छा नॉर्थ बोला है साउथ बोला है सम ऑफ देम फेस नॉर्थ सम ऑफ देम फेस साउथ ठीक है कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं कुछ लोग साउथ की तरफ क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं दोस्तों ये आप मान के चल सकते हो आरआरबी क्लर्क में भी मेंस में आरआरबी क्लर्क के मेंस में इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको आरआरबी क्लर्क का मेंस जो होता है वो सबसे आसान पेपर होता है द पर्सन हु फोर्थ टू राइट ऑफ द पर्सन हुफ एल एल के फोर्थ टू राइट में जो भी बैठा है बिलोंग तो टू जयपुर यह जयपुर से बिलोंग करता है एंड नन ऑफ दम सीटेड एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो ये दोनों के दोनों एंडस पे नहीं बैठते आगे बोल आई हु बिलोंग टू थर्ड टू गोवा गोवा से बिलोंग करता है ये third to left में बैठता है J से सेम डायरेक्शन जे डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड जे जो है ये एंड पे नहीं बैठता एच बिलोंग टू पुणे एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एच जो है ये पुणे से है और ये एंड पे बैठता है जे डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता एंड के डज नॉट बिलोंग टू जयपुर के जो है वो जयपुर से बिलोंग नहीं करता और जे जो है ये कोलकाता से बिलोंग नहीं करता आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग टू जयपुर आई जो है वो इमीडिएट नेबर है जयपुर का मतलब हम बोल सकते हैं आई या तो यहां पर होगा आई या तो यहां पर होगा जयपुर के बगल में द वन हू बिलोंग टू दिल्ली सिट्स वन ऑफ द पोजिशन राइट ऑफ एल एल के राइट right साइड में ही दिल्ली वाला बैठना चाहिए ओ वो सेकेंड टू लेफ्ट में है एन से एन हू बिलोंग टू लखनऊ एन जो है यह लखनऊ से बिलोंग करता है एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर और ये दोनों के दोनों जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं आई फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन आई जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं यहां आई पे लिख देते हैं नॉर्थ एच एंड एम फेसिंग सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू के एच और एम दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं लेकिन ऑपोजिट है के से द वन हु बिलोंग टू कोलकाता सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू वाराणसी कोलकाता वाला जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है किससे वाराणसी वाले से m सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ k m जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है k से द वन हु बिलोंग टू वाराणसी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ j वाराणसी वाला जो है ये j का इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब j इधर भी नहीं आएगा j इधर भी नहीं आएगा वन ऑफ द पर्सन बिलोंग टू आगरा कोई एक पर्सन है जो आगरा से बिलोंग करता है ठीक ध्यान दीजिए दोस्तों अब यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो एल और आई वाली कंडीशन मुझे बेस्ट लग रही थी मतलब ये वाली एल और जयपुर वाली देखो दोस्तों यहां पर अगर आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों ही एंड पे नहीं है तो यहां एंड पे अगर मैं एल को नहीं ले सकता तो यहां पर ले सकता हूं पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं कि एल को यहां पर ले लेते हैं ऊपर का डायरेक्शन दे देते हैं तो चार मतलब तीन छोड़कर जो पर्सन है वो जयपुर से एक दो तीन छोड़कर जो पर्सन है ये जयपुर से है ठीक है अब आपको पता है कि जयपुर के बगल में आई होना चाहिए और आई जो है वो जे से दो छोड़कर लेफ्ट की तरफ में था तो अगर मैं जयपुर से यहां पर लेता हूं आई को तो भाई जे यहां पर हो जाएगा एंड पे जो कि मना किया गया ये देखो आई से दो छोड़कर जे एंड पे नहीं होना चाहिए और आई से इधर भी दो छोड़कर आप जे ले नहीं ले सकते क्योंकि एल है मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जयपुर के इस तरफ आई नहीं आना चाहिए तो आई यहीं पर आएगा फिक्स हो गया ठीक है अब देखो आई और एल का डायरेक्शन सेम है नॉर्थ की तरफ तो ये देखो एल का भी नॉर्थ हो गया आई का भी नॉर्थ हो गया आई जो है गोवा से है यहां पर लिख देते हैं गोवा आई जो है वो जे से दो छोड़कर लेफ्ट में है तो आई से दो छोड़कर जे को यहां पर रख दो नीचे का डायरेक्शन दे दो ऐसा तो ये देखो लेफ्ट में आई हो गया ये वाली कंडीशन ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी ये कंडीशन पूरी पूरी हो गई हमारी जयपुर जो है वो के नहीं होना चाहिए देखो जयपुर जो है वो के नहीं होना चाहिए मतलब यहां पर के नहीं आएगा और क्या बच गया एच पुणे एंड पे बैठा हुआ है ये बाद में देखेंगे वाराणसी वाला जो है वो जे के बगल में नहीं बैठा है मतलब वाराणसी वाला इन दो जगहों पर नहीं आएगा अगर वाराणसी वाला इन दो जगहों पर नहीं आएगा तो भाई वाराणसी के लिए कौन कौन सी जगह बच रही है देखो अब वाराणसी के लिए जगह बच रही है ये वाली दो ये जे और वो एंड तो वाराणसी से दो छोड़कर कोलकाता रखना है वाराणसी से दो छोड़कर कोलकाता रखना है ठीक <्थीक> है अगर मैं वाराणसी को यहां रखता हूं दो छोड़कर कोलकाता जे पे आ जाएगा जो कि जे कोलकाता नहीं है पॉसिबल नहीं है मतलब वाराणसी यहां भी नहीं आएगा अगर मैं वाराणसी को यहां लेता हूं तो दो छोड़कर कोलकाता यहां आ जाएगा ये पॉसिबिलिटी बन रही है एक चलो इसको चेक करते हैं अगर मैं वाराणसी को यहां पर लेता हूं तो वाराणसी से लेफ्ट में कोलकाता होना चाहिए देखो इससे लेफ्ट में नहीं जा सकते अरे इससे लेफ्ट में नहीं जा सकते जगह नहीं है जगह नहीं है तो यहां पर भी वाराणसी नहीं आएगा इसको भी हटा देते हैं जे के अगल बगल में तो आ, आएगा नहीं ऐसा बोला ये देखो जे के अगल बगल में वाराणसी आ नहीं सकता अगर मैं जे पे वाराणसी को रखता हूं तो वाराणसी से दो छोड़कर कोलकाता ये देखो एक दो छोड़कर यहां तो गोवा है तो गोवा कहां कोलकाता कहां कहा कैसे हो जाएगा नहीं है पॉसिबल तो सिर्फ एक ही जगह बच रही है ये वाली वाराणसी को यहां पर ले लो ऊपर का डायरेक्शन दे दो दो छोड़कर कोलकाता आ जाएगा यहां पर यह वाली कंडीशन भी हो गई तो H पुणे एंड पे रखना है तो भाई यहां पर H पुणे नहीं रख सकते वाराणसी है इसलिए H पुणे को यहां पर रख देते हैं ये एंड पे आ गया अब देखो के से एक छोड़कर एम लेना है के यहां पर रख नहीं सकते के यहां रखोगे तो यहां एम हो जाएगा ठीक है और कौन सी कंडीशन है यार और एन वाली को पहले रखते हैं एन लखनऊ ठीक है यहां से रखते हैं एन लखनऊ एन लखनऊ रखने के लिए दोस्तों हमारे पास सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है एन लखनऊ के लिए दोनों स्पेसेस खाली दोनों स्पेसेस खाली एन लखनऊ के लिए सिर्फ यहीं पर दिख रहा है दोनों स्पेसेस खाली का मतलब क्या होता है दोस्तों ये नाम रखने वाली जगह और शहर का नाम रखने वाली जगह दोनों खाली होना चाहिए यहां वाराणसी है यहां आई है जयपुर है कोलकाता है जे है यहाँ एल है यहां एच पुणे तो यही जगह खाली है ना तो यहां पर रख दो एन लखनऊ अब एन लखनऊ से लेफ्ट में ओ होना चाहिए एक छोड़कर तो इससे लेफ्ट इस तरफ तो हो नहीं सकता तो इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ दो लेफ्ट में ओ यहां पर आ जाएगा एन और ओ का डायरेक्शन ऑपोजिट है ये देखो ऑपोजिट लिखा हुआ है तो एन अगर नीचे तो ओ ऊपर की तरफ हो जाएगा अब देखो एल के राइट में दिल्ली होना चाहिए एल के राइट में दिल्ली दिल्ली के लिए कौन सी जगह दिख रही है सिर्फ ये वाली दिख रही है यहां पर रख दो भाई दिल्ली एक बंदा आगरा का था वो यहां पर आ जाएगा अब बचा क्या है आपके पास के से एक छोड़कर एम रखना है के यहां पर आ नहीं सकता के से एक छोड़कर एम अब देखो के अपोजिट है एच और एम के तो के अगर ऊपर देख रहा है तो एम नीचे देखेगा एच भी नीचे देखेगा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों सभी का सेम डायरेक्शन आया है कि नहीं सेम है के के पुणे आगरा लखनऊ दिल्ली कोलकाता जयपुर गोवा वाराणसी पुणे आगरा लखनऊ दिल्ली कोलकाता जयपुर गोवा वाराणसी ठीक दोस्तों जो भी नए अभी जुड़े हैं अन अकेडमी पर ऑफर चल रहा है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का ए एल वन जीरो लीजिएगा ठीक है अनेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं ए एल वन जीरो से दो आ, क्या बोलते हैं सॉरी दो साल के सब्सक्रिप्शन पे चार मंथ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और साथ में बीस परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा चलो तो ये तो दोस्तों कुछ बड़ा ही क्वेश्चन आज यार आज लग रहा है कि आज भी पूरे पचास खत्म नहीं हो पाएंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये तो छोड़ देते हैं इस वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है ये ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था छह हो गया था है ना छह क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं इसको छोड़ देते हैं ये भी बहुत बड़ा है यार चलो इसको बनाओ सेवेंथ तीन से चार मिनट का समय है हाँ, जो बड़े वाले हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके बाद में बना लीजिएगा क्लास के बाद में बोई पीओ अप्लाई करेंगे क्या देखो बोई, बोई पीओ अप्लाई कर देंगे अगर एलिजिबल होंगे तो उसमें कितना एज तक बोला गया है अगर थर्टी तक बोला गया है तो तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा अट्ठाईस बोला होगा तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा फिर कितने घंटे का क्लास है कम से कम तीन चार घंटे तो चलेगा शिखा जी कुछ तीस चालीस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं लोग चार लाख फीस है काही की फीस है चार लाख बोई भी होगी सर कसम खा रखी है क्या मेरे कमेंट नहीं पढ़ने की मैंने कुछ पूछा है आपने जवाब नहीं दिया है विवेक जी क्या पूछा है आपने मुझे तो नहीं दिखा कमेंट कोर्स कंप्लीशन के बाद जॉब पक्की है क्या हाँ जी जॉब पक्की है ऊपर देखो ऊपर ही तो नहीं कर सकता दिक्कत तो यही है इतनी देर से मैं विवेक जी की रिप्लाई कर रहा हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ विवेक जी बार मतलब बार बार क्यों लिख रहे हैं सर मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे सर मेरा रिप्लाई नहीं कर म्यूट पे था ये तो वही वाली ये तो वही वाली बात हो गई जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी आया था एक ऑफिस वाला गूगल मीटिंग गूगल मीट पे मीटिंग चल रही है एक बंदा चिल्ला रहा है सर आप म्यूट पे हैं सर आप म्यूट पे हैं वो खुद ही बंदा म्यूट पे है खुद ही म्यूट पे चलो आप उम्मीद करता हूं आ रही होगी आवाज हेलो हेलो हाँ ठीक है आ रही है चेक कर लिए तो मैं ये बता रहा था कि बोई पी का जो फॉर्म है ना वो अगर आप फिल करते हैं और उसमें अगर आप एग्जाम देते हैं तो पहले तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा कि आपको तीन चार लाख जो भी फीस है वो देनी पड़ेगी अब फीस देने के बाद जो आप कोर्स करोगे ना तो ये जो कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन आ, बैंकिंग डिप्लोमा फाइनेंस ऐसे करके पीजी करके कोर्स होता है वो कोर्स करना होता है ये कोर्स करने से फायदा क्या मिलता है कि आप जो चार लाख दे रहे हो ना बहुत लोगों को लगता है कि नुकसान है तीन लाख चार लाख कौन देगा ये फायदे वाली चीज है ये नुकसान वाली चीज नहीं है इसमें क्या होता है एक साल का आप कोर्स करोगे और आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपका एक इंक्रीमेंट आपको बढ़ा देगी एक इंक्रीमेंट बढ़ा देना मतलब एक साल बाद जो इंक्रीमेंट लगता है ना जैसे मैंने आज मान लो पीओ की जॉब ज्वाइन की तो आज से जस्ट एक साल बाद मुझे एक इंक्रीमेंट मिलेगा मतलब मेरी सैलरी बढ़ेगी ढाई तीन हजार रुपए जो भी बढ़ेगी हर साल ढाई तीन हजार बढ़ती है तो अगले साल जो मेरी दो ढाई हजार तीन हजार बढ़ने वाली होगी वो इस कोर्स के बाद ऑटोमेटिक बढ़ के ही आपको मिलेगा तो एक तो फायदा ये हो गया आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रॉक्स होगी साठ हजार से ज्यादा साठ मतलब पैंसठ हजार के बीच में तो तीन चार महीने पांच महीने छह महीने मान के चलो आपकी फीस तो वसूल हो ही जानी है हाँ डायरेक्ट अगर हो जाता है तो अच्छी बात है बट ये ऑप्शन बुरा नहीं है जैसे काफी लोग बोलते हैं ना सर इससे अच्छा तो डायरेक्ट कर लेते तो डायरेक्ट लग रही है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉन्फिडेंट हो एकदम हाँ भाई हम तो डायरेक्ट लगवा लेंगे आई बी पी का पेपर देके तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं तो इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है हर कोई नहीं देता और खासकर जो बहुत ज़्यादा एकदम टॉप लेवल पे पढ़ने वाले लोग हैं ना जिनकी जिनका दिमाग काफ़ी तेज चलता है होशियार लोग एकदम वो लोग नहीं देते ये वाले पेपर कि भाई मैं तो डायरेक्ट लगवा लूँगा तो मैं क्यों दूँ इसको तो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं चाहो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप के लिए चलो बनाते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व आर सीटेड ऑनसेंट्रिक सर्कुलर टेबल सिक्स इन ईच जी एच आई जे के एल आर ईचआईड इन द इनर सर्कल एंड फेसेस आउटवर्ड वेयर एज एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर सी इन द आउटर सर्कल एंड फेसेस इनवर्ड बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर द पर्सन इन द इनर सर्कल एक्टली फेस द पर्सन सीटेड इन द आउटर सर्कल टोटल कितने लोग है भाई छह छह यानी बारह लोग हैं तो यहां पर बना लेते हैं एक दो तीन चार देखिए दोस्तों क्या बोलेगा क्या बोल रहा है एच सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एल तो एक उसमें कौन कौन बैठे हैं भाई यहां पर देख लेते हैं जी एच आई जे के एल बैठे हैं और यहां पर बैठे हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एच सिर्ट सेकेंड टू राइट ऑफ एल एच जो है वो सेकेंड टू राइट में है एल से तो कहीं पर भी बना दो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बना सकते क्योंकि थ्रेड थर्ड मेथर्ड लगा रहे हैं हम तो एच के सेकेंड टू राइट में एल है एच के सेकेंड टू राइट में एल है यहां पर आ जाएगा सेकेंड टू राइट में एल उसके बाद क्या हो जाएगा जे फेसिस एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी और ये जी के इमीडिएट राइट right में बैठा हुआ है ऐसा उसके बाद बोल रहा है जी हु हू फेस एक्स जी जो है ये एक्स को फेस नहीं करता एस द इमीडिएट नेबर ऑफ एच एस जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एच को फेस कर रहा है मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा बोथ वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस वी और डब्ल्यू जो है वो एस के एडजेसेंट है v और w जो है वो s के एडजेसेंट है मतलब बोल सकते हैं s इन दोनों के बीच में होगा तभी ये दोनों का एडजेसेंट हो सकता है उसके बाद देखो क्या बोल रहा है आपको बोथ l एंड i आर इमीडिएट नेबर्स l और i जो हैं ये इमीडिएट नेबर्स हैं वेयर i फेसेस t i जो है वो t को फेस कर रहा है i जो है वो t को फेस कर रहा है t हु सिट्स एडजेसेंट टू v t जो कि v के एडजेसेंट बैठा हुआ है अब देखिए ध्यान से सुनिएगा अगर मैं यहां पर दोस्तों एल के बगल में आई लेता हूं ठीक है तो एल के बगल में आई मैं अगर यहां पर लूंगा तो एस तो यहां आ नहीं पाएगा क्योंकि आई के सामने टी है तो एस आपको यहीं पर लेना पड़ेगा अब एस आ गया तो वी और डब्ल्यू आपको रखना है वी और डब्ल्यू आपको रखना है तो मैं बोल सकता हूं वी ऑब्ल्यू डब्ल्यू अच्छा आई के टी के बगल में ही वी है ना तो यहां पर वी ही आएगा फिक्स हो गया ये तो ये वी हो गया ये डब्ल्यू हो गया अब आपको पता है कि जे जो है वो यू को फेस कर रहा है और जी के इस तरफ बैठा है तो ये तो गलत हो गई कंडीशन भाई अगर मैं जे को यहां पर रखता हूं तो वो जी के लेफ्ट साइड ऐसे मतलब राइट में नहीं होगा ना पॉसिबल नहीं है अब नहीं है पॉसिबल इसका मतलब क्या था आई को यहां नहीं लेना था आई को इस तरफ लेना चाहिए था ठीक है तो आई को ले लेते हैं इस तरफ आई के सामने टी ठीक है टी के बगल में वी और एस लेना है हमको अच्छा पहले इसको रख देते जी से जे तो जी यहाँ जे यहाँ जे के सामने यू टी से वी एस डब्ल्यू लेना है वी एस डब्ल्यू बचा क्या आपके पास दोस्तों जी के सामने एक्स नहीं होना चाहिए यार ये क्यों गलत हो रहा है यार मेरे से कुछ गलत कर रहा हूं क्यों अरे यार एच और एल ही गलत लिखा था ही गलत बन रहा है ठीक है बातों बातों में कहां से कहां पहुंच गया था मैं ठीक एच सीट सेकेंड टू राइट ऑफ एल है एच जो है वो सेकेंड टू राइट में बैठा है एल से मैं l को सेकंड टू राइट में ले रहा था इसलिए गलत हो रहा था अब ठीक है तो अब उसके बाद देखो क्या बोला था j faces u and sits to the immediate right of g who doesn't face x as faces the immediate neighbor of h मतलब s जो है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा ठीक है अब हमको पता है l के बगल में i लेना है i के सामने t तो यहाँ पर देखते हैं अगर मैं i को यहाँ लेता हूँ t यहाँ पर हो जाएगा t से v यहां हो जाएगा s यहां हो जाएगा w यहां हो जाएगा जे के सामने यू यहाँ पर हो जाएगा जी के लेफ्ट में हो गया ये तो जी के लेफ्ट जी के इस तरफ जी के राइट ठीक है यू हो गया बचा क्या आपके पास जी एच आई जी एच आई जे के एल इसमें हो गया एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स चेक करो भाई जल्दी से सही है एक मिनट का सवा... एक मिनट का भी सवाल नहीं था यार छोटी सी गलती ज़बरदस्ती तीन चार मिनट वेस्ट करवा देती है सर तो आप ऐसा क्वेश्चन प्लस पे क्यों नहीं करवाते है? अरे ये सब प्लस के ही क्वेश्चंस हैं पुराने कोर्सेज के मैं इसलिए बोलता हूँ पुराने कोर्सेज देखो क्यों नहीं देखते हो ये सब प्लस के ही पुराने कोर्सेज के क्वेश्चंस हैं ये गलत गलत क्यों लिख रहे हैं भाई तो है भाई कैसे कर दे रहे हो यार एकदम जबरदस्ती देखो यहां पर के एच आई एल जे जी के एच आई एल जी बिल्कुल सही है यू डब्ल्यू एस वी टी एक्स डब्ल्यू बिल्कुल परफेक्ट आंसर है थ्रेड मेथड इसको थ्रेड मेथड बोलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था अपना सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन था एट नंबर का क्वेश्चन बनाइए जल्दी से तीन से चार मिनट का समय है जल्दी बनाइए जीएचआई जेके एल को नीचे नहीं ले सकते ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है थ्रेड मेथड में आप कहीं भी कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता सब जगह सही होता है निशी जी, क्या देखना था? सर अभी आप कौन सा पीओ की बात कर रहे थे चार लाख वाला अभी बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का नोटिफिकेशन आया ना कल उसकी बात कर रहा था मैं सर पीजीडीबीएम जो आई बैंक एंड एक्सिस बैंक वगैरह करवाती है वो सही है हाँ सही है कर सकते हैं वो भी अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है आप ऑलरेडी दो साल से लगे हुए हो ठीक है तो आप वो चीज़ को भी कर सकते हो प्राइवेट बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप देखो मेन चीज <coughs> एक सेकंड रुको देख लेता यार म्यूट तो नहीं है हाँ ठीक है तो कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको ये बात का टेंशन नहीं है कि भाई प्राइवेट जॉब नहीं करनी है अगर आप ये सोच के रखें ना कि प्राइवेट जॉब नहीं करनी है मुझे तो भन मत ज्वाइन करना फिर बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं बना रहे हैं भाई कैसे कर दे रहे हो भाई साहब वो ही प्राइवेट है अरे यार वो ही प्राइवेट नहीं है भाई विवेक जी कैसे कर दे रहे हो बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट नहीं है मैं एक्सिस और आईसीआईसीआई की बात कर रहा हूं मैंने जब तैयारी चालू की थी ना 2016 में तैयारी स्टार्ट करते साथ ही उस समय चौबीस साल का था आज से पाँच साल छः साल पहले पाँच साल पुरानी बात है 2016 हज़ार सोलह पाँच छः पाँच छः साल पहले चौबीस नहीं तेईस साल का था दो हज़ार सोलह में कितना था यार सोलह और सात हाँ तेईस साल का था तो उस समय मैंने एक्सिस बैंक का पेपर दिया था आई बैंक का पेपर दिया था जो इनका निकलता है एक्सिस बैंक यं, यंग प्रोग्राम ऐसा कर कुछ कुछ रहता है आई का भी होता है जिसमें कि यही पी कोर्स करना होता है साढ़े तीन चार लाख रुपए फीस देनी होती है उसके बाद फिर आपकी एज अ पी ओ जॉब लग जाती है और सैलरी आपकी वही रहेगी जो नॉर्मल दूसरे बैंक में पीओ की में रहती है उससे थोड़ी कम रहेगी बट सेम लगभग लगभग सेम रहती है अब वो पेपर ऐसा था एक बार में ही हो गया थोड़ा साइड हो जाओ बोल रहे हो यार अभी तक बनाया नहीं हो तो एक बार में ही सिलेक्शन हो गया था मतलब मैंने तैयारी चालू की थी तीन महीने में, में मेरे पास जॉब आ चुकी थी जॉब लग चुकी थी लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि भैया मैं निकाल लूँगा दूसरा पेपर में किसी और में सिलेक्शन ले ही लूँगा तो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया हालांकि मेरे घर वालों को मेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तो पापा तो बोल रहे थे ज्वाइन कर ले कर ले कर ले ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जो मिल रहा है रख ले लेकिन मैं नहीं किया क्लियर क्या है सर इसमें बनाते हैं तो पता चलेगा चलो देखते हैं भाई इतना इतना टाइम इतने इजी इजी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग इतना इतना टाइम लगाओगे दोस्तों कैसे चलेगा बताओ यार एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो ना सिक्स ड्राई फ्रूट्स फ्रूट एप्रिकॉट डेट्स वॉलट्स रेजेंस एंड पीनट्स हैव डिफरेंट वेट्स एंड रेट्स बट नॉट द सेम ऑर्डर द वन विच वॉज द कॉस्टलीस्ट वॉज द लाइटेस्ट अमंग ऑल यहां पर देखो क्या बोल रहा है भाई छह ड्राई फ्रूट्स है यहां पर लिख देते हैं छह पांच, चार तीन दो एक देखो अप्रोच ना दिमाग में बनानी पड़ती है उसके बाद पेज में बनाना होता है आप लोग पहले पेज में बनाते हो फिर दिमाग में बनाते हो ये गलत है भाई पहले दिमाग में अप्रोच बनाओ जैसे मैंने क्वेश्चन दो लाइन पढ़ते सारे दिमाग में मेरी ये अप्रोच आ गई कि भैया मैं एक तरफ क्या लिखूंगा इनके वेट लिखूंगा और एक तरफ इनके रेट लिखूंगा ऐसे बनाना है इसको तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है सिक्स ड्राई फ्रूट जो भी है द वन विच वॉज द कॉस्टलियस्ट अब यहां पर मैंने जो एक से लेकर छ तक लिखा है ये क्या चीज है ये मैंने नंबरिंग की है किस चीज की नंबरिंग की है वेट की एंड रेट की मतलब छह वाला सबसे ज्यादा वेट वाला होगा एक वाला सबसे कम वेट वाला होगा ठीक है ये वेट की बात हो गई वाला सबसे ज्यादा रेट का होगा एक वाला सबसे कम रेट का होगा मतलब ये चीपेस्ट बोलेंगे ये कॉस्टलीस्ट बोलेंगे ठीक है ये हाइएस्ट बोलेंगे ये लोएस्ट मतलब वेट के हिसाब से अगर बोला जाए तो आ, ये लाइटेस्ट हो गया और ये हैवीएस्ट हो गया तो इसीलिए मैंने नंबरिंग की है नंबर के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कौन सा रेट ज्यादा है कौन सा रेट कम है कौन सा वेट ज्यादा है कौन सा वेट कम है तो अब यहां पर देखो पहली लाइन पे क्या बोल रहा है ये द वन विच वॉज कॉस्टलीस्ट कॉस्टलिस्ट मतलब रेट में सबसे ज्यादा जो भी होगा तो यहां मान लेते हैं स्टार जो भी है स्टार लिख दिया मैंने लाइटेस्ट मंगॉल लाइटेस्ट मंगॉल मतलब वेट में सबसे कम होना चाहिए मतलब जो भी वहां पर नाम आएगा वो सेम नाम यहां पर आना चाहिए अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है डेट्स वॉस्ट कॉस्टलियर वॉलट अब ये इस लाइन को मैं आगे ऐसा बढ़ा देता हूं अब देखो कॉस्टलियस्ट की बात हो रही है इसका मतलब क्या है भाई रेट की बात हो रही है कॉस्ट 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 हम cost, cost मतलब क्या होता है प्राइस होता है ना कॉस्ट प्राइस तो रेट की बात हो रही है तो यहां पर देखो क्या बोल रहे तो डेट्स जो है वो कॉस्टलियर है मतलब कि रेट में ज्यादा होगा किससे वॉलनट से और क्या बोल रहा है वेयर वॉज देन डेट्स हैवियर मतलब कि इधर लिखेंगे भाई वेट की बात हो रही है तो आमंड जो है वो हैवियर है किससे डेट्स से उसके बाद क्या बोल रहा है टू ड्राई फ्रूट्स वेटेड बिटवीन डेट्स एंड वाली जगह पे बोल रहा है टू ड्राई फ्रूट्स वेटेड बिटवीन डेट्स एंड आलमंड्स सो आलमंड्स और डेट्स के बीच में दो होने चाहिए ऐसे उसके बाद क्या बोल रहा है आलमंड्स विच वाज चीपर देन रेजंस आलमंड्स जो है वो रेजिन से चीपर है चीपर मतलब कि नीचे की तरफ होना चाहिए उसके बाद बोल रहा है एंड कॉस्टlier देन वॉलनट्स कॉस्टlier होना चाहिए ये वॉलनट से तो वॉलनट से ऊपर की तरफ होगा वॉलट विच इज नॉट द चीपेस्ट ड्राई फ्रूट वॉलट जो है ये चीपेस्ट नहीं है मतलब ये वन वाली जगह पर नहीं आना चाहिए चीपेस्ट मतलब यहां पर नहीं आना चाहिए आगे बोल रहे आपको वॉलनट वॉज हैवियर देन पीनट वॉलट जो है वो हैवियर है किससे पीनट से हेवियर मतलब इस तरफ तो वॉलट जो है वो हैवियर है पीनट से पीनट विच वॉज कॉस्टलियर देन आमंडस तो पीनट्स जो है वो आमंड से कॉस्टलियर है मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए पीनट्स जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए आमंड से आगे आपको क्या बोल रहा है रेजिन्स वाज चीपर देन पीनट्स रेजिन्स जो है वो चीपर है रेजिन्स जो है वो चीपर है किससे चीपर देन पीनट्स पीनट्स से ये चीपर है मतलब कि यहां पर पीनट्स आ जाएगा पीनट्स से चीपर है मतलब नीचे की तरफ होगा बट हेवियर देन वॉलट लेकिन वॉलनट से हैवियर है बोथ आमंड रेजिन व कॉस्टलियर देन एप्रीकॉट कॉस्टलियर मतलब कि भाई यहां रेट की बात हो रही है आमंड्रीकॉट से ऊपर की तरफ होना चाहिए आमंट और रेजिन्स दोनों के दोनों कॉस्टलियर होने चाहिए एप्रीकॉट से विच वॉज लाइटर देन पीनट्स तो पीनट से कम है पीनट से कम है एप्रिकॉट वेट में और रेट में इससे नीचे की तरफ होना चाहिए एप्रिकॉट देखो आमंट्स के ऊपर पीनट है आमंस के ऊपर पीनट है आमंडस के नीचे आपको एप्रिकॉट रखना है मतलब ये वन पे नहीं है तो वन पे एप्रिकॉट आ सकता है डेफिनेटली भाई एप्रिकॉट के ऊपर आपको देखो सारे के सारे जो नाम है ना आपको एप्रिकॉट के ऊपर ही दिख रहे हैं कैसे भाई देखो एप्रिकॉट के ऊपर आमंड होना चाहिए एक हो गया पीनट होना चाहिए दो हो गया ठीक है और देखो वॉलनट एक पे हो नहीं सकता तो वॉलनट भी ऊपर ही होगा उससे डेट्स वॉलनट के ऊपर है मतलब ये भी हो गया रेजेंस भी ऊपर हो गए पांच लोग ऊपर हो गए मतलब डेफिनेटली एप्रिकॉट जो है वो यहां पर आएगा हो गया क्वेश्चन सॉल्व एप्रिकॉट एप्रिकॉट के ऊपर देखो आप वॉलनट रखेंगे ठीक है वॉलनट रखेंगे अब वॉलनट के ऊपर डेट रखना है वॉलनट के ऊपर आमंड भी होना चाहिए चलो अगर मैं आमंड को यहां पर रखता हूं पीनट स तो जाएगा पर डेट्स जो है अच्छा इसमें ना एक चीज का थोड़ा सा लग रहा है डाउट कि डेट्स और पीनट्स में से दोनों में से कोई एक यहां पर आने वाला है डेट्स डेट्स और और पीनट्स पीनट्स में में से में यहां पर कुछ आने वाला है अब देखो डेट्स और पीनट में यहां पर कुछ आने वाला है तो ध्यान से देखना अगर यहां पीनट होता तो पीनट यहां वन पे आना चाहिए था पॉसिबल है क्या नहीं क्योंकि पीनट के नीचे एफ्रिकॉर्ट है मतलब पॉसिबल नहीं है तो यहां डेफिनेटली डेट्स आएगा तो यहां भी डेट्स आ जाएगा ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन अब रखते जाओ सारी चीजों को वॉलनट के ऊपर क्या रखना है आमंड रेजेंस पीनट्स आमंड्स अब देखो यहां पर डेट्स आपको मिल गया दो छोड़कर आमं रखना है यह हो गया आमंठ ठीक है अब देखो एप्रीकॉट पीनट वॉलनट रेजेंस एप्रिकॉट पीनट वॉलनट और रेजेंस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व सभी का सेम है चेक करिए जल्दी से सर ब्रेक दे दो क्या ब्रेक दे दो यार अभी एक घंटा नहीं हुआ एक घंटा हुआ नहीं ब्रेक चाहिए आंसर चेक करते हैं तो देखो वेट की बात करते हैं वेट में देखो रेजिंस वॉलनट आमंड पीनट रेजिंस वॉलनट आमंड पीनट एप्रिकॉट डेट्स एप्रिकॉट डेट्स ठीक है इसमें रेट की बात करते हैं डेट पीच पीच कहां से आ गया यार एप्रीकॉट एप्रिकॉट वॉलनट आमंट रेजेंस ट आमंड पीनट्स और डेट्स पर पीनट्स होगा ठीक है ये गलत है पीनट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई ये आठ हो गए नाइन्थ क्वेश्चन है नाइन्थ अरे कहा लिख रहा हूँ यार मैं नाइन्थ क्वेश्चन है सुबह जीत वेट कर लो हो जाएगा मिल जाएगा कल

तो भाई अगर एस आर और एस के बीच में कुछ भी नहीं है तो मतलब हम बोल सकते हैं क्यू आर एस तीनों के तीनों साथ में होंगे ऐसे ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको ओ सीट थर्ड टू राइट ऑफ द वन ओ सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी टी के सेकेंड टू लेफ्ट में जो भी बैठा हुआ है ओ सीट्स थर्ड टू राइट तो ओ जो है वो इससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर बैठता है मतलब टी के इमीडिएट राइट right में ओ बैठता है आगे बोल रहा है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन टी एंड यू टी और यू के बीच में एक पर्सन बैठता है

V के इमीडिएट लेफ्ट वाले से तीन छोड़कर यहां पर U आना चाहिए और क्या बोल रहा है आपको एन सिट्स एडजस्टेंट टू दूस फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड हो गया तो N इसके एडजेसेंट है मतलब N यहां आ सकता है या फिर N यहां पर आ सकता है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q इज वन लेस देन द राइट ऑफ P द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q Q के लेफ्ट में जितने भी लोग होंगे इज वन लेस देन टू द राइट ऑफ पी पी के राइट में जितने हैं उससे एक कम क्यों के लेफ्ट में होना चाहिए अब देखो दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं हम वी के बगल में पी रखना था ये पी हो गया अब देखो क्यू आर एस को रखना है अगर तो मैं ऐसा रख सकता हूं कि एस को अगर मैं यहां पर रखूं आर यहां पर हो जाएगा क्यू यहां पर हो जाएगा तो एन यहां पर आ जाएगा अब क्यू के लेफ्ट में देखो दो दिख रहे हैं तो पी के राइट में तीन होने चाहिए पी के राइट में तो तीन हो नहीं सकते पॉसिबल नहीं है मतलब बस इसको चेंज करना है आपको क्यू आर एस रख दो क्यू आर एस तो क्या हो जाएगा देखो पी के राइट में अगर एक है तो क्यू के लेफ्ट में कुछ भी नहीं जीरो हो गया ठीक है तो ये कंडीशन भी हो गई अब देखो टी से एक छोड़कर यू लेना है तो यू से एक छोड़कर टी यहां पर आ जाएगा जो बच गया उसको रख दो तो भाई क्या नाम बच गया पी क्यू आर एस टी वी ओ बचा हुआ है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्यू आर एस यू एन टी वी क्यू आर एस यू एन टी वी बिल्कुल सही है नाइन्थ क्वेश्चन था चलो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है एक दोस्तों मैं देखिए ना थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं इसको मैं करवाऊंगा नहीं लेकिन ठीक है हिंदी वाले जल्दी से इसको देख लो वीडियो को पॉज कर लो इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा दोस्तों अभी ये आप लोगों के लिए अभी होमवर्क होमवर्क टाइप बोल सकते हैं ब्रेक है थोड़ा सा मैं भी कुछ खा लेता हूं भूख लग रही है तो दस मिनट का ब्रेक लूंगा तब तक ये क्वेश्चन मैं दिखा के छोड़ के जा रहा हूं स्क्रीन पे आप लोग बनाने की कोशिश करिए जो बना रहे जो खा पी के बैठे हैं और अगर रेस्ट चाहिए या ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन वापस आ जाना ये नहीं भाई कि अभी साढ़े दिख रहे हो बाद में फिर पाँच ही दिख रहे हैं भाग गए दो लोग दो बोल रहा हूँ दो सौ लोग भाग गए ऐसा मत करना आप ही के लिए पढ़ाने आया हूँ भाई तो पढ़ लो थोड़ा सा ठीक है सैटरडे में मेरी छुट्टी रहती है छुट्टी के दिन क्लास ले रहा हूँ मैं कल भी लूंगा कल संडे है कल भी मैं क्लास लूंगा तो थोड़ा आप लोग भी दिखाया करो भाई अपनी तरफ से इंग्लिश दस मिनट का यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं चलो बना लीजिए इसको चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतना गैप गे, ब्रेक काफ़ी होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा बाद में ये मैं भी नहीं करवाऊंगा ये का क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया था बीच में अपन जो बना रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे सात क्वेश्चन हो गए आठ हो गया नौ भी हो गया ये नहीं हुआ है तो टेंथ क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों चलिए टेंथ पजल जल्दी से तीन से चार मिनट का समय है थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों वरना आज भी नहीं खत्म हो पाएगा चलिए जल्दी से इसको बनाइए फटाफट दीपक जी मार्च में हैं अगर आप अभी बिगिनर हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप अभी कितने नंबर तक आपके आ रहे हैं आपका एक एनालिसिस हो जाएगा कि आपको और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि अगस्त से पूरे बैंक के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी अगर आप लोग मार्च में एग्ज़ाम देके अपने आप को एनालाइज कर लोगे तो आप कम से कम आगे अपनी तैयारी कर पाओगे अप्रैल में जून जुलाई में किसी का रिप्लाई तो आप उसी टाइम करते हैं मेरा नहीं करते हो <laughs> अरे यार खोज की करेंगे वो कोई। निशी जी आपका कमेंट नहीं दिख रहा आप फिर से भेज दो बार बार लिखना पड़ता है अरे कॉपी करके पेस्ट करो कैसे कर दे रहे हो मैं काफी पहले किया था कि मेरे को टाइम के साथ एंजाइटी होती क्या करूं टाइम के साथ एंजाइटी होती मतलब टाइमर देख के एंजाइटी होती है ऐसा बोल रहे हो क्या अगर टाइमर देख के एंजाइटी होती है तो उसका तो सिंपल तरीका है कि आप देखो ही मत टाइमर देखो ही मत बिल्कुल बस अपना बनाते जाओ

ए से नौ बढ़ा दोगे तो सी के पेन आ जाएंगे ई e has फोर पेन लेस देन डी डी में चार माइनस करोगे तो ई e का पेन आ जाएगा एंड वन पेन मोर देन ए के पास एक पेन ज्यादा है ए से तो ए प्लस वन कर दोगे तो ई e का आ जाएगा और एफ the ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन एज one who सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एच के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा हुआ है एफ है तो इस वाले को अगर इन टू करोगे तो ये एफ का आ जाएगा ठीक है अब क्या सी से सी सी इन दिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल कहीं पर भी बना लो भाई सी को जैसे यहां पर बना लेते हैं सी से दो छोड़कर लेफ्ट में थर्टी वन वाला हो गया डायरेक्शन तो सबका एक ही तरफ है डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है हमको क्या बोल दिया सी जो है वो मिड ऑफ द साइड पे मतलब ये कॉर्नर हो गया ये कॉर्नर हो गया सॉरी ये कॉर्नर मिडिल फिर कॉर्नर फिर मिडिल फिर कॉर्नर फिर मिडिल फिर कॉर्नर ठीक है अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे सी सिट इन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल टू बिटवीन सी एंड एच सी और एच के बीच में दो लोग हैं तो सी और एच के बीच में दो लोग हैं तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि सी से दो छोड़कर एच यहां भी आ सकता है सी से दो छोड़कर एच यहां पर भी आ सकता है भाई इधर जाओगे तो दो घूम इधर आ जाना है ठीक है ना क्योंकि ये रेक स्क्वायर वाला है ठीक है द वन हु हैज 19 पेन नीदर सीट्स एडजेसेंट टू एच नॉर सी 19 वाला जो है एच और सी के एडजेसेंट नहीं है 19 वाला इधर भी नहीं होगा इसको अलग सी लिखता हूं यार मैं

द वन हुआ फोर्टी फोर पेन लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड टू लेफ्ट में जो भी बैठा हुआ है 44 तो इसके ऑपोजिट में फोर्टी फोर पेन वाला बैठा होगा एफ सिट सेकंड इमिडिएट राइट ऑफ जी जी के इमीडिएट राइट right में जो भी बैठा है एफ सिट से वन तो इसके सेकंड टू राइट में एफ बैठा हुआ है डी नीदर सीट adjacent टू A nor सी डी जो है वो ए और सी के एडजस्टेंट नहीं है तो डी जो होगा वो ए और सी के एडजस्टेंट मतलब इसके बगल में ए और सी नहीं होना चाहिए चलो बनाते हैं देखो अब क्या करेंगे ना एक पॉसिबिलिटी लेता हूं मैं कि मान लेते हैं एच यहां पर है तो क्या हो जाएगा एच के ऑपोजिट में जो है उससे एक छोड़कर नाइनटीन होना चाहिए एच right के ऑपोजिट में जो है वो नाइनटीन के सेकंड टू राइट है तो एच के ऑपोजिट मतलब तीन पर्सन छोड़कर ये ये जो है वो नाइनटीन वाले के सेकंड टू राइट में तो नाइनटीन यहां पर आ जाएगा नाइनटीन से सेकंड टू राइट वाला ऑपोजिट है एच के ये कंडीशन हो गई हमारी एच और सी के बगल में नाइनटीन नहीं होना चाहिए था देखो सी के बगल में नाइनटीन आ गया मतलब गलत हो गया ये वाला एच को आप नहीं ले सकते पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी तो दूसरी जगह पे एच को ले लेते हैं ये एच से सामने जो भी है वो नाइनटीन वाले के इमीडिएट है एक सेकंड यार मैंने कुछ डायरेक्शन गलत दे दिया क्या गलत लग रहा है यार एक बार चेक करते हैं ये देखो ना यार इसमें डायरेक्शन चेंज किया हुआ है ये देखो ये बाहर देख रहा है ये बाहर देख रहा है हमको तो ऐसा नहीं बोला एट परसन आर सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर फोर ऑफ़ द एम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ़ द टेबल एंड फोर ऑफ दर सीटिंग एट दिडल बट नॉन एस इन द सेम ऑर्डर इसमें दोस्तों डायरेक्शन ये सेंटर नहीं लिखना चाहिए था डायरेक्शन अननोन है ऐसा लिखना चाहिए था तभी बनेगा वरना नहीं बनेगा एक बार ट्राई करके देखते हैं उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि बन जाए ठीक है तो ये चीज़ कब पॉसिबल है अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप अच्छा एक और कंडीशन देखो एच के ऑपोजिट में जो है वो नाइनटीन वाले के सेकंड टू कहाँ बोल रहा था भी देखो हमारी कंडीशन में नाइनटीन के सेकंड टू राइट वाला जो है वो एच के ऑपोजिट है ये बोला है नाइनटीन के सेकंड टू राइट वाला एच के ऑपोजिट है बट आंसर में देखो नाइनटीन के सेकंड टू राइट वाला एच के ऑपोजिट कहाँ है नहीं है ना ये क्वेश्चन गलत है छोड़ो इसको नहीं बनाते इसको मत करो टाइम वेस्ट होगा चलते हैं आगे ठीक है तो ये क्वेश्चन गलत है टेंथ दोस्तों ऑफर चल रहा है ना अकेडमी का ए एल वन जीरो ए एल वन जीरो कोड लगा लीजिएगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट प्लस फोर मंथ एक्स्ट्रा चलो इसको बनाओ चार बार बता दिए हो हाँ तो नए नए लोग भी जुड़ते हैं ना भाई बीच बीच में जरूरी है भाई आवाज़ नहीं आ रही है म्यूट किया था रवि जी दे देंगे वेट करो रियलिस्टिक टॉक सर आया मैं बिगिनर ये मैं आपका आंसर तो दे चुका हूँ कि आपको दे देना चाहिए एग्ज़ाम क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है तभी तो आप उसको सुधार करके फिर अपने अगस्त के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर पाओगे बड़ा टाइम लगा रहे हैं यार आज क्या बात है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो क्वेश्चन ही ऐसे हैं क्या आज के मुश्किल सवाल एक एक करोड़ के सवाल हैं सब टेन परसेंट ए बी सी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वर इन्वाइटेड फॉर मीटिंग ऑन डिफरेंट डेज फोर्टींथ एंड ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मार्च अप्रैल मे जून एंड जुलाई तो क्या हो गया यार अच्छा व्हाइट कलर था यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि चौदह और 27 तारीख दी हुई है आपको सबसे पहले लिख लो चौदह सत्ताईस फिर चौदह फिर सत्ताईस फिर चौदह फिर सत्ताईस छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन अब देखो मंथ कौन कौन से दिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मार्च अप्रैल, मई, जून जुलाई ठीक है अब यहां पर देखो बोल रहा है अच्छा पहले इसका नाम वो भी लिख लेते हैं मार्च इकतीस दिन होता है ये तीस दिन होता है ये इकतीस ये तीस फिर ये इकतीस डी वॉज इन्वाइटेड इन एन ऑड नंबर डेट ऑर्ड नंबर डेट मतलब सत्ताईस तारीख डी जो है वो सत्ताईस तारीख को जाएगा

अगर नीचे नहीं आ सकता तो डी से तीन छोड़कर ए ऊपर की तरफ ले लो यहां पर और इसको चेक करो ये सबसे पहले ही पॉसिबिलिटी चेक करो अगर गलत होगी तब फिर दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे अब बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन इनवाइटेड बिफोर ए सेम एज आफ्टर टी ए के पहले अगर एक है तो टी के बाद भी एक ही होगा टी वाज इनवाइटेड ऑन द सेम डेट एज ई टी अगर चौदह तारीख को है तो ई भी चौदह तारीख को इनवाइटेड होगा ठीक आगे आपको बोला एटलीस्ट वन मंथ वॉज बिटवीन टी एंड और ई e के बीच में कम से कम एक मंथ तो है तो अगर अच्छा डी के साथ वाले मंथ में भी नहीं है ई e ऐसा बोल दिया आपको द नंबर ऑफ पर्सन इन्वाइटेड बिटवीन ई एंड डी लेस देन बिटवीन टी डब्ल्यू टी और डब्ल्यू के बीच में जितने भी लोग इन्वाइटेड है तो ई e और डी के बीच में एक कम होगा। सेम मंथ नॉर एंड इन दस्ट मंथ्स क्या बोल रहा है यार? The number of invited ये तो हो गया था बोथ डब्ल्यू एंड वी आर नीदर इन्वाइटेड इन द सेम मंथ डब्ल्यू और वी सेम मंथ में नहीं होने चाहिए नीदर इनवाइटेड इन द सेम मंथ एंड डेट नॉर सेम डेट पे भी नहीं होना चाहिए मंथ और डेट दोनों ही नहीं होगा मंथ एंड डेट नॉर इन द मंथ्स नॉर इन द मंथ्स मतलब डब्ल्यू और वी ऐसा भी नहीं होगा द पोजिशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू वी सेम एज द पोजिशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी और वी का जो पोजिशन होगा यू और एक्स का भी वही पोजिशन होगा ज नॉट इन्वाइटेड इन द सेम मंथ एज डब्ल्यू यू और डब्ल्यू एक ही मंथ में नहीं होंगे यू और डब्ल्यू एक ही मंथ में नहीं होंगे बी वॉज नीदर इन्वाइटेड इन द मंथर्टी डेज नॉर बिफोर सी बी जो है वो सी के बाद इन्वाइट किया गया होगा और थर्टी डेज वाले में नहीं है मतलब थर्टी वन डेज वाले में होगा ये इसमें ना एक काम करते हैं दोस्तों दोनों तीनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलते हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं अगर मैं अलग अलग करूँगा तो मे भी हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ कोई कंडीशन ठीक है तो यहाँ पर डी को यहाँ पर भी ले लेते ले ले हैं सत्ताईस तारीख में और डी को यहाँ पर भी ले लेते ले 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 हैं सत्ताईस तारीख में अब डी से तीन छोड़कर कर ए है तो ए आ गया यहाँ डी से तीन छोड़कर कर ए है तो ए आ गया यहाँ तो ये डी और ए वाली तो हो गई कंडीशन अब टी जो है एक के ऊपर जितने एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच टी यहाँ पर आ जाएगा यार बहुत हार्ड टाइप का लग रहा है ये वी यू एक्स सी के नीचे बी होना चाहिए ई e चौदह तारीख को है चलो ई e चौदह तारीख को लेते हैं पॉसिबिलिटी बनाते हैं यहां पर अगर मान लेते हैं कि ई e को मैं यहां पर ले रहा हूं ठीक है तो क्या हो जाएगा तो यहां पर देखो बोल रहा था ई e और डी के बीच में एक कम होना चाहिए ई e और डी के बीच में एक कम होना चाहिए तो पॉसिबल तो e ही नहीं है अब इस वाले में देखो ई e और डी के बीच में एक कम यानी टी और डब्ल्यू के बीच में एक होना चाहिए तो टी से डब्ल्यू जो है वो यहां पर भी आ सकता है टी से एक छोड़कर डब्ल्यू यहां पर भी आ सकता है इस वाले में देखो ई और डी के बीच में चार है तो टी और डब्ल्यू के बीच में पांच होने चाहिए तो एक टी से एक दो तीन चार पांच यहां हो गया डब्ल्यू यू और डब्ल्यू सेम मंथ में नहीं होने चाहिए यू और डब्ल्यू सेम मंथ में नहीं है डब्ल्यू और वी सेम मंथ में नहीं है और डब्ल्यू के जस्ट बगल नीचे वाले मंथ में भी वी नहीं होगा मतलब वी जो है वो इतनी जगह पे नहीं आएगा वी के लिए ये वाली जगह है डब्ल्यू और वी का डेट भी सेम नहीं तो अगर डब्ल्यू चौदह तारीख है तो यहाँ पर वी जो है वो चौदह तारीख को नहीं आ सकता मतलब वी के लिए ये वाली और ये वाली जगह दिख रही है दो वी के लिए ये दो जगह है अच्छा बी जो है वो थर्टी वन डेज वाले मंथ में है तो थर्टी वन डेज वाला मंथ कहां दिख रहा है भी? आपको एक तो यहां पर दिख रहा है एक यहां पर दिख रहा है तो दो ही जगह दिख रही है आपको थर्टी वन डेज वाला और सी के बाद बी होना चाहिए अगर मैं बी को यहां पर मानता हूं तो सी यहां लेना पड़ेगा अब देखो डी वी यू एक्स गलत हो जाएगा डी से वी रखोगे तो यू से एक्स नहीं हो पाएगा डी से एक छोड़कर वी रखोगे तो यू से एक छोड़कर एक्स नहीं हो पाएगा तो पॉसिबल नहीं ये तो गलत हो गया तो इसको चेंज करते हैं कि बी को अगर यहाँ नहीं सी को यहाँ नहीं तो बी को रखने के लिए सिर्फ ये जगह है देखो V के लिए सिर्फ ये वाली जगह बच रही है तो D से अगर एक छोड़कर V नीचे है तो U से एक छोड़कर X यहां पर हो जाएगा और C यहां पर हो जाएगा एक बार चेक करो ये सही है क्या जल्दी से चेक करके बताइए क्या ये सही है मुझे सही है लग रहा है क्योंकि द पोजिशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू वी इज सेम एज द पोजिशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेयर यू वॉज नॉट इन्वाइटेड इन द सेम मंथ एज डबल्यू ठीक तो है क्या चीज रॉन्ग है यार अरे भैया लाइन को ध्यान से पढ़ो द पोजिशन ऑफ डी विध रेस्पेक्ट टू वी द दोजीशन ऑफ डी विध रेस्पेक्ट टू वी तो डी जो है वो वी से दो ऊपर है ठीक तो आगे बोल रहा है इज सेम एज द दोजीशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब यू जो होगा वो एक्स से दो ऊपर होगा तो ठीक तो है ना भैया एक्स से दो ऊपर ई ए डब्ल्यू सी यू ई ए डब्ल्यू सी यू डी एक्स वी टी बी डी एक्स वी टी बी बिल्कुल सही है हंड्रेड परसेंट करेक्ट है तो इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी समझ में आया दोस्तों तो मैं बोला था ना ए यहाँ पर अगर नहीं आएगा मतलब डेफिनेटली डी ए वाली हो हो सकती है इस चीज़ को समझना सीखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर ये चीज़ आप समझना सीख गए ना बहुत से पजल्स तो आप ऐसे ही बना लोगे एग्जामिनर ने कोई कंडीशन दी है हाँ ये भी होता है कि कई बार इरिलिवेंट होती है तो गलती भी हो सकती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस तरीके को छोड़ दो अप्रोच बना के रखो हो सकता है कभी सही जाए हो सकता है कभी गलत हो जाए ठीक है मल्टीपल आंसर नहीं आएंगे आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो मोहित जी आप एक बार बताइए क्या आंसर और आ रहा है मैं चेक करके बताता हूं क्या गलती है किसी का और अगर बन रहा है तो जल्दी से बताइए क्या बन रहा है मैं चेक करके बता देता हूं कि गलती क्या है आ रहे हैं और भी आंसर तो लिखो ना भैया तब तो मैं चेक करूंगा लिख के बताओ ना एक्स ए यू E सी डी ई वी सी डी ई वी सी डी ई वी टी ए डब्ल्यू यू बी एक्स टी ए डब्ल्यू यू बी एक्स ऐसा किस कितने लोगों का ये आ रहा है भाई एक बार यस लिखो तो U और W का मंथ सेम नहीं होना चाहिए देखो U और W सेम मंथ में आ गए गलत हो गया U और W आपका सेम जून मंथ में आ रहा है गलत है ना भाई ये और बताओ इसके अलावा और किसी का कुछ आ रहा है तो कमेंट में लिखो पूरा मैं चेक करके बता रहा हूं आप लोग खुद से चेक नहीं करते हो पता है गलत बनाते हो फिर बोलते हो एक और आ रहा है बी ए सी वीईडी बी ए सी वी ईडी अरे 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 रुको 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 डब्लू एक्स टी यू सी के नीचे बी होना चाहिए यहां देखो हे भगवान सी के नीचे बी होना चाहिए सी <laughs> के ऊपर बी रखे और सही है बोलते हो क्या है यार सच और बताओ ही और किसका क्या आ रहा है यही आंसर है भाई हंड्रेड परसेंट यही आंसर है आप लोग गलत सलत बनाए हो बोलते हो ये सही है वो सही है और भी कोई बचा है और भी कोई है जो बोल रहा है कि नहीं सर एक और आंसर आ रहा है लिख दो एक और अगर किसी का कुछ आ रहा है तो एक मिनट एक मिनट एक आया है एक आया है, रुको सी डी ई वी सी डी ई वी टी ए डब्ल्यू टी ए डब्ल्यू एक्स बी यू इसमें ये वाली कंडीशन आपकी गलत है भाई ये बोला है कि D जो है वो V के रेस्पेक्ट में जिस भी पोजीशन पे है, तो V से कहां पर है ये दो प्लेस ऊपर तो U भी दो प्लेस ऊपर होना चाहिए X से बट आपका U जो है वो X से दो प्लेस नीचे है हमको ऊपर चाहिए था क्योंकि बोला क्या है कंडीशन में D विथ रेस्पेक्ट टू V इज सेम एज U विथ रेस्पेक्ट टू X तो अगर D जो है वो V से ऊपर की तरफ है तो U जो है वो भी X से ऊपर की तरफ होना चाहिए आपने X और U को उल्टा लिखा है गलत लिखे हुए तो गलत हो गया समझ में आया अब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है आपका अगर कुछ दूसरा बन रहा है आप गलत हो मान लो कि आप गलत हो चेक करो अपनी कंडीशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बनाइए ये मेरे ख्याल से ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन बहुत दमदार लेवल थे इसलिए अभी तक सिर्फ बारह ही हो पाए हैं लगभग तीन घंटे होने वाले हैं चलो जल्दी से बनाइए इसको चलिए दोस्तों सॉल्व हो गया है कुछ लोगों का डर आ रहा है तो एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं पहले ये बारवा बार क्वेश्चन हो गया तीन चार क्वेश्चन एक साथ देता हूं ये थर्टीन क्वेश्चन तीन से चार मिनट है जल्दी बनाइए कुछ लोग बोल रहे हैं पिछला क्वेश्चन रॉन्ग है देखते हैं भाई चलो क्या रॉन्ग है उसमें क्या सभी को लग रहा है रॉन्ग है चलो देखते हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या गलती थी सेवन परसेंट के एल एम एन पी वर बॉर्न इन सेवन डिफरेंट ईयर्स ठीक है तो सात लोग हैं अलग अलग ईयर्स दिया हुआ है सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको 1974, 1976, 1980, 1982, 1988, 1990, 1993. अब बेस ईयर इनका क्या दिया हुआ है बेस ईयर दिया हुआ है 2021. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहला दूसरा पजल में ही मैंने बताया था एज निकालने का तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 93 वाले का 2021 तक में कितना हो जाएगा 21 और इधर का सात 28 साल अब अगर ये 28 साल है 93 वाला तीन इधर का है तीन इधर बढ़ा दो, दो इधर का है दो इधर बढ़ा दो छह इधर का है छह इधर बढ़ा दो, दो का है दो बढ़ा दो चार का है चार बढ़ा दो, दो का है दो बढ़ा दो हो गया

ये दिख रहा है हमको और देखो थर्टी वन से तेरह साल ज्यादा फोर्टी फोर होता है फोर्टी फोर तो दिख नहीं रहा है थर्टी थ्री से तेरह साल ज्यादा फोर्टी सिक्स वो भी नहीं दिख रहा है हमको थर्टी नाइन से तेरह साल ज्यादा फोर्टी नाइन वो तो होगा ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है तो बस ये वाला हो गया आपका तो क्या बोल रहा है द एज ऑफ द टीचर इज थर्टीन ईयर मोर देन के यानी कि के यहां पर आएगा इससे तेरह साल ज्यादा टीचर की एज है तो टीचर यहां पर आ जाएगा ठीक है

सम ऑफ द एजेस ऑफ दूस लॉयर एंड एन इज सिक्सटी फोर लॉयर और एन ये दोनों का जो एज है वो सिक्सटी फोर टोटल होना चाहिए और क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जे एंड क्लर्क डिफरेंस ऑफ जे एंड एंड द वन हुई क्लर्क जे और क्लर्क वाला जो भी है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टेन आना चाहिए अट्ठाईस अड़तीस नहीं है इकतीस इकतालीस ये इकतीस इकता दिख रहा है आपको थर्टी थ्री फोर्टी थ्री नहीं है थर्टी नाइन फोर्टी नाइन नहीं है मतलब सिर्फ यही दो जगह दिख रही है आपको जे और क्लर्क के लिए तो यहां तो क्लर्क आ नहीं सकता तो क्लर्क को यहां पर रख दो जे को यहां पर रख दो सही तो लग रहा है यार उसके बाद देखो और क्या है एम इज मैनेजर एम जो है मैनेजर है एम जो है वो मैनेजर है और क्या बोल रहा है हु इज टीचर वॉज बॉर्न बिफोर नाइनटीन एटी टू टीचर जो है वो 1982 के पहले बॉर्न हुआ है तो ठीक है टीचर तो 1990, 1982 के पहले ही बॉर्न हुआ है अब यहां पर क्या करेंगे लॉयर और एन का 64 देखते हैं ये बनाते हैं लॉयर और एन का 64 तो 64 बनाने के लिए भाई देखो 31 में ऐसा क्या ऐड करोगे 31 और 33 30 30 चौसठ ये हो जाएगा एन और लॉयर यहां पर एन रख दो यहां पर एन यहां पर लॉयर रख दो ठीक है अब देखो इंजीनियर जो है डॉक्टर आर्टिस्ट के ऊपर है डॉक्टर के ऊपर इंजीनियर है आर्टिस्ट यहां नहीं है एम मैनेजर पहले रखते हैं यहां पर एम ये मैनेजर अब देखो इंजीनियर जो है वो डॉक्टर और आर्टिस्ट के ऊपर है आर्टिस्ट यहां नहीं आ सकता आर्टिस्ट यहां पर आ जाएगा डॉक्टर यहां पर आ जाएगा बचा क्या आपके पास जेके एल एम एन ओ पी ओ हो तो गया क्या गलत है भाई कौन है गलत 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 क्या गलत है भाई जबरदस्ती अब गायब हो गए ना गलत वाले अब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो इस वाले को बनाते इसमें देखो क्या बोल रहा है इसे बोल रहा है एबीसीडी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड साउथ दे वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर तो सबसे पहले तो ईयर को यहां पर लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1962, 1974, 1980, 1981, 1987, 1991, 1999 अब देखो एज बोल रहा है 2020 के हिसाब से निकालना है 2020 में 1999 वाले की एज जो है इक्कीस होगी अब 99 से 91 वन आठ कम है तो यहां पर आठ बढ़ा दो 21 का 29 91 से चार कम है चार बढ़ा दो 87 से छः कम है छः बढ़ा दो 81 से एक कम है एक बढ़ा दो 80 से छः कम है छः बढ़ा दो यहाँ से कितना कम है यार बारह कम है तो बारह बढ़ा दो ये एज निकल गई सबकी सभी के सभी एक रो पर बैठे हुए हैं भाई तीन तीन छ सात लोग हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात अब और सी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी सी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है डी से आगे बोरे नीदर सी और डी सी एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सी और डी दोनों के दोनों एंड्स पर नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ डी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन 1981 मतलब बोल रहा है आपको नंबर ऑफ ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट डी डी और 1981 वाले का पेयर बनेगा

टू परसेंट सीट बिटवीन ए एंड एफ ए और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं टू परसेंट सिट बिटवीन ए एंड एफ ए और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं एफ इज एल्डर देन बी एफ जो है वो एल्डर है बी से मतलब बड़ा होगा देखो दोस्तों अगर सी और डी एंड पे नहीं है ना तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं कुछ कि सी एंड पे नहीं यहां पर सी को ले लो दो छोड़कर डी यहां पर ले लो ऐसा करके बना सकते हैं अब देखो डी और नाइनटीन एटी वन वाले का पेयर है तो पेयर है मतलब डी यहां पर देखो इधर से तीसरे पे तो इधर से इधर से तीसरा तो इधर से तीसरा यहां पर हो जाएगा नाइनटीन एटी वन वाला ये पेयर हो गया ठीक है सी से तीन छोड़कर ट्वेंटी चाहिए सी से तीन छोड़कर यहां पर ट्वेंटी में फोर्टी एज वाला बैठा है तो सी के बगल में फोर्टी एज वाला कौन है नाइनटीन एट्टी यहां नाइनटीन एटी नहीं हो सकता नाइनटीन एटी यहां पर रख दो डी और जी का एट्टी सिक्स है डी और जी का एट्टी सिक्स सिक्स कैसे बनेगा भाई देखो एटी सिक्स कैसे बना सकते हैं अगर मैं 58 से बनाना चाहूँ 86 तो बन सकता है क्या 58, 68, 78, 88, 28 ऐड करना पड़ेगा 28 नहीं है ठीक है नहीं बनेगा 46 से बना के देखते हैं 46 में मैं 40 ऐड करूंगा तब बनेगा तो 46 और 40 ये दो दिख रहा है हमको 40, 46 हो चुका है 39 से बन सकता है क्या नहीं बन सकता है? सिर्फ एक ही पेयर दिख रहा है चालीस और छियालीस का एटी बनाने के लिए तो बोल सकते हैं डी और जी का यही दो जगह है डी जी डी जी आप देखो 1980 वाला डी नहीं हो सकता ये देखो 1980 वाला डी नहीं हो सकता तो जी हो जाएगा भाई 1980 इधर है ना डी इधर है तो कंफर्म हो गया कि 1980 वाला डी नहीं हो सकता इसलिए ये चौहत्तर वाला डी हो जाएगा ये जी हो जाएगा तो जी यहां पर रख देते हैं 1980 से दो छोड़कर 87 वाला है 1980 से दो छोड़कर 1987 वाला है 1987 से दो छोड़कर ई e होना चाहिए 87 से दो छोड़कर ई e यहां पर आ जाएगा ई e से एक छोड़कर 46 एज वाला चाहिए ई e से एक छोड़कर 46 एज ये देखो 46 एज 1974 ए से दो छोड़कर आपको एफ चाहिए तो ए और एफ के लिए ये वाली जगह दिख रही है तो बचा क्या आपके पास बी बचा है बी यहां पर आ जाएगा आप देखो बी बी एटी वाला है ना बी एटी वाला यहां पर लिख देते हैं डी सेवनटी वाला है जी जो है वो 40 वाला ठीक है, है बस अब इससे ही हमको रखना पड़ेगा 81 और 91 में हमको रखना क्या क्या है हमको रखना है ए और एफ अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं ए ऑब्लिक एफ करके रख देते हैं ऐसा अब देखो यहाँ पर 91 और 81 में ए और एफ आर ना 91 और 81 में ए ऑब्लिक एफ ए ऑब्लिक एफ अब दोस्तों ध्यान से सुनो एफ चाहे यहाँ एफ चाहे यहां है एफ के नीचे तो बी चाहिए आपको तो यहां एफ रखोगे तो बी के ऊपर एफ के ऊपर बी हो जाएगा पर हमको एफ के नीचे बी चाहिए मतलब एफ यहां नहीं हो सकता अगर एफ यहां नहीं हो सकता तो ए नीचे होगा एफ यहां होगा अब सी के ऊपर ई e रखना है सी के ऊपर ई e, ये हो गया पूरा ई e वाला 1962, ठीक है यहां पर भी ये कंफर्म हो गया ए और एफ एफ जो है 1981, ए जो है 1991, और सी जो है 1999। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सभी का सेम है एक बार चेक करिए जल्दी से जी सी एफ बी डी ए जी सी एफ बी डी ए देखो मैंने नॉर्थ लेकर बनाया है इसने साउथ लेकर बनाया है इसलिए उल्टा दिख रहा है पर आंसर सही आएगा ठीक है जी सी एफ बी डी ए जी सी एफ बी डी ए मैंने नॉर्थ लेकर बनाया है ठीक है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अपने पेज पर लिख के इसको ऐसे पलट दो बस आपको सेम आंसर दिख जाएगा कितने पजल हो गए भाई थर्टीन तेरह हो गए और बनाना है छोटी करें बताओ भाई जल्दी मैं तो थक गया अब आंखें एकदम जलन हो रही है तीन घंटे में सिर्फ तेरह पजल बने इतने अच्छे क्वेश्चंस थे सोचो लेवल कैसा था चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई तो करो तब तक चलिए दोस्तों डन के तो आ ही रहे हैं खत्म करते हैं दोस्तों अब सेशन को थक गया हूँ मैं एकदम ज़्यादा इसको ख़त्म करते हैं सेशन को और अनकेडमी प्लस का दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो अनकेडमी पर अभी ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफर है दोस्तों दस से पंद्रह तारीख तक के लिए है ठीक है पंद्रह तारीख तक ये ऑफर चलेगा इसमें आप लोगों को ए एल वन जीरो कोड इस्तेमाल करना है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ आपको चार मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बीस परसेंट के साथ चार मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक साल का लेंगे तो बीस के साथ दो मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं दोस्तों अभी इसको फिर एक और सेशन और करते हैं आ, कुछ दिनों में थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट जितने भी लोग थे मौजूद पूरा शुरू से आखिरी तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए जुनून होगा तो डेफिनेटली निकल जाएगा भाई डेडिकेशन होना चाहिए ठीक है चलिए थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट